हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। कैसे हो भाई आप सभी लोग? देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? हेलो, हाय मोनिका, हेलो प्रभाकर, अरुण। सो आपका फर्स्ट सेशन है और फर्स्ट सेशन होने के नाते ऑल द बेस्ट टू यू। आई होप कि हमारी जर्नी काफ़ी लंबी रहेगी, हमारा साथ काफ़ी लंबा रहेगा एग्ज़ाम तक। एग्ज़ाम आप क्लियर करोगे और क्लियर करके बन जाओगे आप यूपीएससी को क्लियर करने वाले सिविल सर्वेंट। ठीक है, आई होप सब कुछ अच्छा रहेगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। और हेलो राम, हाय अरुण। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। तो अब तक एक बेसिक सी चीज़ बताते हूँ, ठीक है। ये आपका सिलेबस है, ठीक है, और सिलेबस में जहाँ आप देखोगे यूनिट 4 लिखा हुआ है और यूनिट 4 के साथ में कार्ल मार्क्स हम कर चुके हैं, माइल डर्खाइम हम कर चुके हैं, मैक्स वेबर हम कर चुके हैं। ये सिलेबस है यूपीएससी का, मैंने वहाँ से कट पेस्ट किया हुआ है। कोई भी टॉपिक आपका छूटा नहीं है। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, मोड ऑफ प्रोडक्शन, एलिनेशन, क्लास स्ट्रगल चारों कर लिए हमने। डिवीजन ऑफ लेबर, सोशल फैक्ट, सोसाइट, रिलीजन एंड सोसाइटी अच्छे से कर लिया है। सोशल एक्शन, आइडियल टाइप, अथॉरिटी, ब्यूरोक्रेसी, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म कर लिया है। जो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, जो कि जनरल अंडरस्टैंडिंग है कि अच्छा भाई तुमने ये इसका रिलीजन पढ़ लिया तो आप एक काम करो, इसका अंतर कर दो, इनका कंपैरेटिव एनालिसिस कर दो, तो वो हमने कल कर लिया है। हेलो प्रियदर्शनी, हाय विवेक, ठीक है। तो ये सब हम कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे इस वाले सेगमेंट की। तो मैंने ना इसको, इस यूनिट को दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है। पहले तीन जो हैं अपने वो यूरोपियन थिंकर्स हैं, यूरोपियन थिंकर्स बोले तो कोई जर्मनी से है, कोई फ्रांस से है, ठीक है, इस तरीके से, कोई प्रूशिया से है। जो नीचे वाले तीन हैं इनमें ये हैं अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट्स। अब देखो कितने कमाल में डिजाइन किया गया है कि जहां आपने लास्ट में स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ी थी, यूरोपियन थिंकर्स के बिल्कुल लास्ट में आपने स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पढ़ी थी और उसका क्लासिक एग्जांपल अमेरिका का है, जो हमने कल डिस्कस भी किया था, और उसके फिर बाद में आपको अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट की बात सुननी है। कहने का मतलब है कि ये वो तीन लोग हैं जो कि सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट को प्रतिस्थापित करने में इनका सबसे बड़ा योगदान है। अब सोशियोलॉजी स्थापित हो चुकी है, ठीक है, यूरोप में सोशियोलॉजी पढ़ी जा रही है, अच्छे से देखी जा रही है, और अब जो है इन थिंकर्स की थ्योरीज काफ़ी ज़्यादा फैल रही हैं। तो अमेरिका भी डेवलप हो चुका है तब तक के लिए, 1900 मतलब अपना 20th सेंचुरी के स्टार्ट की बात करें तो अमेरिका भी काफ़ी ज़्यादा अग्रसर हो गया, और अब अमेरिका के अंदर भी सोशियोलॉजी को पढ़ा जा रहा है एज अ सब्जेक्ट मैटर। वहाँ पर भी सोशियोलॉजी पढ़ी जा रही है, और वहाँ पर पढ़ी जा रही है इसका मतलब वहाँ के सोशियोलॉजिस्ट भी आपको दिखने के लिए मिलेंगे। तो बेसिकली पेपर वन में हमको वेस्टर्न सोशियोलॉजी पढ़नी पड़ती है। वेस्टर्न सोशियोलॉजी मतलब समाज तो सब जगह मोर और लेस सेम ही रहता है, सोशियोलॉजिस्ट, वेस्टर्न सोशियोलॉजिस्ट हमको पढ़ने होते हैं यूनिट नंबर 4 में, जिसमें हम यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट को पढ़ चुके हैं, यूरोपियन थिंकर्स को पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे वेस्टर्न में अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट की, ठीक है। अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट की हम बात करेंगे यहाँ पर, और सबसे पहले करेंगे सबसे छोटा वाला टॉपिक। ये कहने को ही एक टॉपिक लग रहा है, लेकिन इसको भी ढंग से पढ़ा जाए तो कम से कम 3 घंटे जो है पढ़ाने के लिए लगते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आज हम इसका पूरा बैकग्राउंड बनाएंगे, सेटअप करेंगे इसको, क्योंकि अभी तक हमारे दिमाग में कार्ल मार्क्स, डर्खाइम और मैक्स वेबर चल रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा भुला के यहाँ मीड को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर कल इसको हम खत्म कर देंगे। खत्म इन द सेंस कि कल हम क्रिटिसिज्म, कुछ क्वेश्चंस वगैरह ये सब जो है, तो इसमें दो आपके सेशंस लगने वाले हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, क्योंकि इसमें दो सेशन लगने वाले हैं तो, और मैंने आपको कहा था कि एकदम मतलब जल्दी खत्म करना है, तो क्या कल हम एक की जगह दो लाइव क्लास कर लें? एक क्लास लाइव क्लास हम सुबह कर लें तो मीड हमारा कंप्लीट हो जाएगा। मैं अपनी तरफ से पढ़ाने के लिए तैयार हूं, आप अपनी तरफ से पढ़ने के लिए तैयार हो कि नहीं वो आप मुझे बताओ। सुबह 8 बजे कर लें जीएच मीड का दूसरा सेशन, जिससे कि कल शाम को जब हम शुरू करेंगे तो फिर हम टेलकट पर्सन से शुरू कर देंगे,
तो आप लोग मुझे बताइए, जो भी अगर आपको लग रहा है कि नहीं इतना ही ठीक है, दिन में एक बार ही ठीक है, वो एक अलग चीज़ है या नहीं आपका फोन ठीक है। तो सुबह 8 बजे एक सेशन रख लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, तो आप लोग आ जाइएगा ठीक है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, मीड की थ्योरी है सेल्फ एंड आइडेंटिटी की, सेल्फ एंड आइडेंटिटी अपने अस्तित्व की लड़ाई है, और उसी को समझाने की कोशिश करी है कि समाज 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 तो आप पढ़ रहे हो, लेकिन 9 बजे, अरे हाँ भाई 9 बजे किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। टुडे इज परफॉर्मिंग दी सेल्फ, चलिए बता देना मेरे को, है ना 9 बजे, चलो ठीक है 9 बजे। अरे एक्चुअली वो श्राद्ध पक्ष चल रहा है ना, 8 बजे कर लो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि मैं 9 बजे से पढ़ाना शुरू करूँगा तो मुझे ख़त्म करते करते 10:30 बज जाएंगे। ये देखो 10 बजे आ गए, ऐसा है मैं 8 बजे पढ़ाने वाली हूँ, जिसको आना है आ जाना, जिसको नहीं आना है मत आना, है ना। रीज़न है उसका कि अभी वो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, 9 बजे पढ़ाना शुरू करूँगा, 10:30 बजे तक जो है ख़त्म होगा, उसके बाद अपना खाना पीना बनाना पूजा करना वो बहुत लंबा हो जाएगा ठीक है। 8 बजे पढ़ाऊँगे, 8 बजे आना, चलो। तो इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ना शुरू करते हैं, क्या है ये, कौन है ये, इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। इनका नाम है भैया जॉर्ज हर्बर्ट मीड, प्यार से इनका निकनेम है, प्यार से इनका निकनेम है GH मीड, क्योंकि सिलेबस में सिर्फ आपको मीड लिख के दे दिया है ठीक है। जॉर्ज हर्बर्ट मीड, अब जो है यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होंगे, हमारे पास एक और सोशियोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर, ये अगस्त कॉन्टे के टाइम से हैं, हम इनके बारे में तब से सुनते आ रहे हैं, अभी तक इनको पढ़ा नहीं है क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, बट इनको भी किसी दिन, एक दिन जो है इनका सोशल डार्विनिज्म की एक थ्योरी है वो समझानी है बस। एक हमारे पास में है हर्बर्ट ब्लमर, तो कन्फ्यूज मत होना, ये भी सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी जो है ये यहीं से रिलेटेड हैं ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होंगे। तो ये हर्बर्ट स्पेंसर, हर्बर्ट ब्लमर, ये दो अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं। जॉर्ज हर्बर्ट मीड ये अलग सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये अमेरिका के फिलोसोफर हैं, सोशियोलॉजिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट भी थे ठीक है, साइकोलॉजिस्ट थे इसीलिए इन्होंने सेल्फ को समझने की कोशिश करी। सोशियोलॉजी तो कुछ नहीं, इनका पार्ट टाइम बिजनेस समझ लो, जब आप जो है साइकोलॉजिस्ट होते हो तब आप इंसान की इंडिविजुअल आइडेंटिटी को ज़्यादा अच्छे से समझते हो, और इसीलिए इन्होंने ये थ्योरी दी, इन्होंने वो साइकोलॉजी का दिमाग जो है सोशियोलॉजी में घुसा दिया ठीक है, बात समझ रहे हो। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो से हैं ये, और काफ़ी ज़्यादा बड़े सोशियोलॉजिस्ट हैं, और इनकी जो थ्योरी है वो है सोशल इंटरेक्शनिज्म की। इंटरेक्शनिज्म, ये इंटरेक्शनिस्ट हैं ये, तो जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था कि हमने कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव में हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया है, इंटरप्रिटिविज्म में हमने मैक्स वेबर को पढ़ लिया है, ये हमने कार्ल मार्क्स को पढ़ लिया है, और फंक्शनलिज्म में हमने किसको पढ़ा है, इमैनुअल डर्खाइम को पढ़ा है ठीक है। तो ये तीन हम जो है तीन अलग अलग पर्सपेक्टिव के लोगों से अभी तक मुलाकात कर चुके हैं। अब मुकालात करने का जो बारी है वो है इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव के लोगों से ठीक है, तो इनके साथ मुकालात करेंगे हम लोग। और इनका जन्म हुआ था 1863 में, सोचो अमेरिका के अंदर, साउथ हेडले नाम की जगह है मैसाचुसेट्स में यूएस के अंदर, और शिकागो के अंदर इनकी मृत्यु हुई क्योंकि वहीं पे यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ाते थे ये, 1931 में इनकी डेथ हो गई। अपने जीवन में इन्होंने एक वर्ल्ड वॉर देख लिया था ठीक है, और इनका एक ही बेटा है हेनरी कैसल एल्बर्ट मीड, खैर अपने को उससे लेना क्या ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो सोशल इंटरेक्शनिज्म नहीं, थोड़ा सा चेंज कर लेना, सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म, सिम्बॉलिक सिंबल वाला सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म। बहुत मज़ा आने वाला है हमको इस यूनिट में, मतलब इस टॉपिक में, सेल्फ और आइडेंटिटी, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स हैं मेरे साथ मेरे पास, बस आप बने रहिएगा, घबराइएगा नहीं, जो चीज़ जितनी टफ होती है उसको उतना ईजी बना के पढ़ा जा सकता है। तो इन्होंने जो है फाउंडेशन रखी सोशियोलॉजी के अंदर एक ऐसे पर्सपेक्टिव की जिसको हम जानते हैं सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म के नाम से। सिम्बॉलिक इंटरेक्शनिज्म के फाउंडर थे ये, पापा थे। तो अब तक हम तीन पापाओं को हम देख चुके हैं, कार्ल मार्क्स, इमैनुअल डर्खाइम और मैक्स वेबर ठीक है, चौथे पापा हैं ये
इन्होंने चौथी आइडियोलॉजी दी सोशियोलॉजी के अंदर, बोले कि कॉन्फ्लिक्ट जहां पे आप क्लास स्ट्रगल बता रहे हो, इंटरप्रिटिविज्म जहां आप कह रहे हो कि सोशल एक्टर की तरह बन के देखो तब से आपको समझ में आएगा कि कोई समाज में क्या कर रहा है, कोई एक्शन क्यों हो रहा है। फंक्शनलिज्म यानी कि समाज में जो है हर कोई एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो आप सॉलिडेरिटी की बात करते हो, मैकेनिकल सॉलिडेरिटी, ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। डिवीजन ऑफ लेबर की बात करते हो क्योंकि आपको पता है कि समाज में सब कुछ फंक्शनल चल रहा है, यानी कि एक दूसरे से डिपेंडेंट है। लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम लोग, तुम भले ही तुम पापा हो ठीक है, लेकिन बाप एक नंबर ही बेटा दस नंबर ही, वो वाला हिसाब है कि मैं भले ही बेटा हूं लेकिन मैं एक नई थ्योरी दूंगा, और वो थ्योरी होगी सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म की। नाम को तोड़ के देखो तो इज्म का मतलब होता है कोई फिलॉसफी, इज्म मतलब कोई फिलॉसफी, कोई सिद्धांत ठीक है। इंटरैक्शन का मतलब क्या है? इंटरैक्शन, इंटरैक्शन का मतलब होता है वार्तालाप, किसी के संपर्क में आना ठीक है, वार्तालाप। और सिंबॉलिक का मतलब क्या है? सिंबॉलिक का मतलब है प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक वार्तालाप, और उसी का सिद्धांत को यहां पर समझाने की कोशिश करिए। तो हिंदी में नाम सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि यार प्रतीकात्मक, चलो हम सिंबल से समझ गए, मतलब कि मम्मी ने मान लो मेरे को कहा दो रोटी खाएगा तो मैंने हाँ नहीं बोला, ना नहीं बोला, मैंने ऐसे गर्दन हिला दी। क्या है ये? सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, प्रतीकात्मक वार्तालाप है। अगर मैंने ऐसे मुंडी हिला दी मतलब नहीं खाएगा, फिर मम्मी पूछेगी तीन खाएगा, फिर मैंने हाँ मैं मुंडी हिला दी, मतलब सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है ठीक है। अब इन्हीं इन्हीं छोटी छोटी चीजों को, ये छोटी छोटी समझ डेवलप हम कर रहे हैं, और उसको जो है हम क्या करेंगे आगे चल के सोशियोलॉजी की थ्योरी में फिट कर देंगे। तो मैं आपको पहले ये समझा दूं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म ठीक है, पहले हम समझते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या होता है। अच्छा एक और चीज क्या, कि ये अमेरिका में पैदा हुए थे? हाँ मैम बता तो दिया आपने क्या हो गया, लेकिन याद करो ना अमेरिकन लोग कौन थे? प्रोटेस्टेंट, यानी कि ये वो लोग हैं जो कि कैल्विनिज्म को मानते हैं, जॉन कैल्विन, यानी कि ये वो लोग हैं कि जो कि कैपिटलिज्म को भी मानेंगे। अरे ये तो थ्योरी कनेक्ट हो गई हमारी। ही वॉज रेज्ड इन अ प्रोटेस्टेंट मिडिल क्लास फैमिली जिसमें पापा थे इनके हिरम मीड, मम्मी थी एलिजाबेथ स्टोर्स मीड ठीक है, एक बहन थी एलाइस, एलिजे भी बोलते हैं। 40 साल इन्होंने काम किया एज अ कैरियर, और इन्होंने काफी सारी चीजें पब्लिश करी फिलोसफी में भी और साइकोलॉजी में भी। और जितने भी आप थिंकर देखोगे ना, कोई शुरुआत में ही सोशियोलॉजिस्ट नहीं बन गया था। क्यों? क्योंकि सोशियोलॉजी तो तभी डेवलप हो रहा था। तो मतलब ये वो लोग हैं जो कि किसी और कैरियर में थे, कोई साइकोलॉजिस्ट था, कोई पॉलिटिकल थिंकर था, कोई, और मोस्टली सब फिलोसफर मिलेंगे आपको, मोस्टली सब फिलोसफर मिलेंगे, चिंतक मिलेंगे, थिंकर्स मिलेंगे, जो आगे चल के समाज के बारे में भी कुछ कुछ बता दिया इन्होंने। तो इनकी जो है भाई साइकोलॉजी में इनकी कई सारी थ्योरी है, लेकिन सोशियोलॉजी में सिर्फ एक ही थ्योरी है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी की। इस सब के बावजूद भाई साहब अमेरिका के अंदर रहते हुए इन्होंने अपनी जीवन में कोई भी बुक पब्लिश नहीं करी, तो इनकी कोई बुक नहीं है, इनके सिर्फ कुछ ऐसे हैं और वो करीब 100 के आसपास कुछ इनके आर्टिकल्स हैं ठीक है। मोस्ट रिसेंटली इनकी डेथ के बाद ठीक है, इनकी डेथ के बाद इनका एक ऐसे पब्लिश किया गया 2001 में एसेज इन सोशल साइकोलॉजी के नाम से, सोशल भी और साइकोलॉजी भी ठीक है। ये वो है अब बुक प्रोजेक्ट है जिसको कि मीड ने 1910 के टाइम पे, 1930 में इनकी डेथ हो गई थी, 31 में, 1910 के टाइम पर इसको बुक प्रोजेक्ट मतलब पब्लिश करने से मना कर दिया था। खैर बाद में काफी सारी चीजें हुई हैं, मीड के ऊपर प्रोजेक्ट्स भी चले हैं, और वो सब हमारे काम की कोई भी चीज नहीं है। इनकी जो चीजें हैं, जो इनकी डेथ के बाद इनके जितने भी 100 आर्टिकल्स थे, उन 100 आर्टिकल्स में से काफी सारे आर्टिकल्स इनकी डेथ के बाद पब्लिश किए गए हैं। जैसे कहते हैं ना कि किसी को भारत रत्न दिया लेकिन वो व्यक्ति तो जिंदा ही नहीं है, तो उसको बोलते हैं पोस्ट, हाँ जी पोस्ट ह्यूमस। जैसे नोबेल पुरस्कार मिला मृत्यु उपरांत, पोस्ट ह्यूमस का मतलब होता है हिंदी मीडियम वालों के लिए मृत्यु उपरांत, और ये दो अलग शब्द हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं मृत्योपरांत, सही वर्ड ये होता है मृत्यु के बाद में, उपरांत मतलब बाद में। तो 1932 में फिलॉसफी ऑफ द प्रेजेंट इन्होंने, मतलब जो फिलॉसफी की इनकी चीजें थी उसको पब्लिश किया गया।
मुद्दे की बात मैं आपको ये इसलिए बता रही हूँ कि मैम आप ये हमें क्यों बता रहे हो, इसलिए बता रहे हूँ कि भले ही ये व्यक्ति 1931 में इनकी डेथ हो गई थी, लेकिन जो थ्योरी आज हम पढ़ने वाले हैं या आज और कल हम पढ़ने वाले हैं जो हमारे सोशियोलॉजी के सब्जेक्ट में है, वो हमारी, हाँ जी, वो थ्योरी हमारी कहाँ से निकल के आती है, वो 1934 में पब्लिश हुई थी। ये थ्योरी पब्लिश हुई थी 1934 में। अच्छा, जिसने भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो कर देना यार, ठीक है, बाकी आपकी श्रद्धा है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा होगा जो ये सोचेगा कि भाई हम एक बटन भी नहीं दबाना चाहते, हम इतने आलसी हैं, इतने शिथिल होने की ज़रूरत नहीं है, शेयर वेयर कर देना, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप जो है टेलीग्राम ये अपना लाइव चैट में पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि सेशन आपको कैसा लगा है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं वो हमारे कुछ भी काम की नहीं हैं, मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। हमारे काम का ये है कि ये जो पब्लिश हुआ है वो 1934 में पब्लिश हुआ है, ठीक है, तो कुछ भी हमें फालतू का नहीं पढ़ना है, अपने को सिर्फ इतना पढ़ना है जितना अपने काम का है। तो बैकग्राउंड समझते हैं, फिर मैं आपको सबसे पहले सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म समझाऊंगा कि वो क्या होता है, और फिर उसके बाद हम करेंगे सेल्फ की थ्योरी, ठीक है, सेल्फ एंड आइडेंटिटी। तो पहले हमें समझना है सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म क्या होता है, लेकिन उससे पहले भी मैं जो है आपको इनका बैकग्राउंड बताने की कोशिश करती हूँ कि मैक्स वेबर जो है, मैक्स वेबर, ठीक है, और जॉर्ज हर्बर्ट मीड, जिनको हम अभी पढ़ रहे हैं, इन दोनों व्यक्तियों ने मिलकर जो है एक स्थापना करी थी एक तरीके की थ्योरी की, एक तरीके के सिद्धांत की, जिसको हम कहते हैं इंटरैक्शनिज्म। मैम अभी तो आपने कहा कि मैक्स वेबर ने इंटरप्रिटिविज्म बताया था, ठीक है, इंटरप्रिटिविज्म बताया था, हाँ तो बताया था, उसमें क्या गलत है, इंटरप्रिटिविज्म अंडरस्टैंडिंग बताई थी, इंटरप्रिटिविज्म यानी कि इंटरप्रेट करना, यानी कि अनुमान लगाना, अनुमान लगाना, अनुमान आप किसी चीज का कैसे लगाओगे, कैसे लगाओगे, जब आप इंटरेक्शन करोगे, संपर्क में आओगे, जब आप संपर्क साधोगे किसी के साथ, तभी तो जो है आप क्या करोगे, अनुमान लगा पाओगे किसी के बारे में। तो ये दोनों जो है दोनों ही इस तरीके की अप्रोच को यूज करते थे, लेकिन फिर भी क्योंकि एक को हमने क्रेडिट दे दिया है फाउंडर ऑफ इंटरप्रिटिविज्म का, तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड को हम क्रेडिट देते हैं फाउंडर ऑफ इंटरैक्शनिज्म का, सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म का। और ये दोनों ही याद रखेंगे, दोनों ही जो हैं किस तरीके की मेथडोलॉजी है याद रखेंगे, ये दोनों ही नॉन पॉजिटिविस्ट, सेकेंड यूनिट याद करना, सेकेंड यूनिट में मैंने आपको पढ़ाया था पॉजिटिविज्म और नॉन पॉजिटिविज्म, तो ये दोनों ही नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी हैं। और कोई है क्या नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी? हाँ, चार मेथडोलॉजी हैं जिनको हम नॉन पॉजिटिविस्ट कहते हैं, जिसमें एक जो है आपकी इंटरप्रिटिविस्ट सोशियोलॉजी है, एक आपकी इंटरैक्शनिस्ट सोशियोलॉजी है जिसको हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म कहते हैं, बाकी की जो दो हैं उनका नाम है फिनोमेनोलॉजी जो कि हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, और एक है एथनोमेथोडोलॉजी, ये भी हम पढ़ चुके हैं, एथनोमेथोडोलॉजी, ये चार हैं जो कि नॉन पॉजिटिविस्ट अप्रोच हैं, यूनिट टू में हम इनको पढ़ते हैं, ठीक है जी, कोई डाउट तो नहीं है बेटा यहां तक के? हाँ भाई, यहां तक के कोई डाउट तो नहीं है? अच्छा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म जो है वो माइक्रो लेवल, क्योंकि जो पॉजिटिविस्ट होती हैं, यहां देख लो, ये मत पढ़ना अभी, है ना, ये पढ़ने बैठ जाओ, कुछ लोगों का अलग ही राग चल रहा है कि वो ये पढ़ रहे हैं, ये सब पढ़ाया जाएगा आपको। जो पॉजिटिविस्ट होती हैं, ठीक है, जो पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजीज होती हैं टू अंडरस्टैंड सोसाइटी, टू अंडरस्टैंड सोशियोलॉजी, ये मैक्रो लेवल पे काम करती हैं, मैक्रो लेवल याद है, मैक्रो लेवल यानी कि बड़े स्तर पे सोसाइटी को देखती हैं, यानी कि सोसाइटी एज अ होल, सोसाइटी एज अ होल को देखती हैं। जो नॉन पॉजिटिविस्ट हैं, मैं फिर से आपको ये इसलिए बता रही हूं कि थोड़ा सा आप रिकॉल कर पाओ, ये माइक्रो लेवल पे काम करती हैं, माइक्रो लेवल बोले तो जहां पे आप इंडिविजुअल को भी स्टडी कर रहे हो, इंडिविजुअल को स्टडी कर रहे हो आप,
तो इंडिविजुअल के बिहेवियर को स्टडी करते हैं बेसिकली हमें, और अभी तक अगर याद नहीं आया तो अब याद आ जाना चाहिए कि जो पॉजिटिविस्ट मेथड्स होते हैं उनमें हम बात करते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस की, क्योंकि ये वो है जो अगस्त कॉम्टे ने कहा था कि सोशियोलॉजी एज अ साइंस काम करती है, और ये है और वो है, साइंटिफिक मेथडोलॉजी होनी चाहिए, तो इसमें हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। जबकि अगर आपको इंडिविजुअल का बिहेवियर समझना है कि उसके मन में क्या चल रहा है, तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि कोई चार्ट नहीं बना सकते, कोई ग्राफ नहीं खींच सकते, कोई स्टैटिक्स नहीं बना सकते, तो वहां पे आपको इंडिविजुअल के बिहेवियर को समझना है तो उसके बिहेवियर की क्वालिटी समझनी होगी, तो क्वालिटी समझने के लिए हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करते हैं। यूनिट 2 इज ऑल अबाउट दीज थिंग्स, क्वालिटेटिव एनालिसिस। आई होप कि आपको याद होगा, और जिन्होंने अगर नहीं देखी है तो धीरे धीरे पुरानी वीडियोस को, पुरानी यूनिट्स को कवर करना शुरू कर दो। क्वालिटेटिव एनालिसिस की बात करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल, अगर आप भूल भी गए हो तो पीछे से जोड़ने की कोशिश मैं आपको कर रहा हूं। तो ये हमने यूनिट 2 में पढ़ा था, यही सारी चीजें एकदम डिफाइन करी थी और ये हमारे सिलेबस के अंदर था। अब क्योंकि हम नॉन पॉजिटिविस्ट मेथड की शुरुआत कर रहे हैं, यानी कि हम माइक्रो लेवल पे इंसान को समझने की कोशिश करेंगे, और उसके अंदर चार चीजें हैं जिनमें से एक इंटरप्रिटिविज्म है। और अगर आप मैक्स वेबर की थ्योरी को देखो तो हमने क्या किया था, हमने सोसाइटी को समझा था या एक व्यक्ति के सोशल एक्शन को समझा था, आप बताओ। हमने एक व्यक्ति के सोशल एक्शन को समझने की कोशिश करी थी, जिसमें हमारा मेन उद्देश्य ये था कि हम ये समझें कि कोई व्यक्ति किस तरीके से एक्ट करता है। तो एक्शन के चार टाइप पढ़े थे हमने, या तो ट्रेडिशनली एक्ट करता है, ट्रेडिशनल एक्शन होते हैं, या फिर अफेक्टिव एक्शन होते हैं, अफेक्शन अपने इमोशंस के चलते कुछ एक्ट करता है, या फिर हमने पढ़ा था वहां पे व्रेट रैशनल, जिसमें रैशनल बाय द गोल, और एक हमने पढ़ा था रैशनल बाय द, हाँ जी, रैशनल बाय द गोल एंड रैशनल बाय द, बताओ क्या पढ़ा था। चार चीजें हमने पढ़ी थी, यानी कि हमने इंडिविजुअल के एक्शन को समझने की कोशिश करी थी। इसका मतलब हम नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे, और उसको इंटरप्रिटिविज्म का नाम दिया गया क्योंकि हम वहां पे इंटरप्रेट कर रहे थे। यहां पर भी नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी है, यानी कि हम एक व्यक्ति विशेष को समझने की कोशिश करेंगे। और क्योंकि ये मीड साहब जो है साइकोलॉजिस्ट थे, तो साइकोलॉजिस्ट जो है व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझने का काम करते हैं, ना कि, यस, वैल्यूज, वैल्यूज, वेरी गुड, व्यक्ति की साइकोलॉजी को समझने का काम करते हैं, ना कि पूरे की पूरी समाज को समझने का काम करते हैं। और इसीलिए इन्होंने जो है नॉन पॉजिटिविस्ट मेथडोलॉजी दी है सेल्फ एंड आइडेंटिटी की। तो एक बैकग्राउंड समझ में आ गया आपको। तो हर्बर्ट, ये जो आपके जॉर्ज हर्बर्ट मीड हैं, वो ये बताते हैं कि व्यक्ति का सेल्फ, यानी कि व्यक्ति का स्वयं, स्वयं एक सोशल सेल्फ है। यहां तीन शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, आई क्या है, मी क्या है, और सेल्फ क्या है। अब आई तो तुमको क्या लग रहा है, मैम ये तो प्रोनाउन है, और ये इस प्रोनाउन का क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है, ऐसे ही कुछ बोलते हैं ना इंग्लिश में, आई क्या है, प्रोनाउन है, आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, आई मी माई सेल्फ, जिसको अंग्रेजी में पता है कि ये क्या होता है, एक प्रोनाउन है, फिर उसका एक रिफ्लेक्सिव है, और फिर उसका क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। सेल्फ क्या है, माई सेल्फ क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है। तो इन्हीं तीन चीजों को हमको समझने का, हेलो जानकी प्रसाद राजपूत जी, गुड इवनिंग। तो इंडिविजुअल का ये जो सेल्फ है, ये जो सेल्फ है वो सोशल सेल्फ है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि ये सोशल सेल्फ कब इंडिविजुअल के किसी व्यक्ति विशेष के अंदर आता है, जब इंडिविजुअल व्यक्ति विशेष समाज में लोगों के साथ में क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, इंटरेक्शन, कहते ना माई सेल्फ जानकी प्रसाद राजपूत, हाँ भाई, माई सेल्फ जानकी प्रसाद राजपूत। किसी ने ये बोला है कि माई सेल्फ ड्रिंक अ मिल्क, कप ऑफ मिल्क, नहीं, वहां बोलते हैं आई ड्रिंक अ कप ऑफ मिल्क। लेकिन जब आप किसी के साथ इंटरेक्शन करोगे, जब आप किसी के साथ हाथ मिलाने जाओगे, बात करने जाओगे, आप किसी के साथ कॉफी डेट पे जाओगे, आप किसी के साथ डिनर डेट पे जाओगे, जाओगे ना, तो वहां क्या बोलोगे, हाय माई सेल्फ इज जानकी प्रसाद राजपूत। तो ये सेल्फ कब आता है, जब ये सेल्फ प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन से आता है। तो ये सेल्फ बायोलॉजिकली बच्चा जब पैदा होता है तब उसके अंदर नहीं होता, ये सेल्फ तब आता है जब बच्चा समाज के अंदर इंटरेक्ट करता है, ठीक है। बच्चा जब सेकेंड क्लास में प्रोनाउन पढ़ लेता है और फिर कहता है कि माई सेल्फ,
मोनिका आर्या, ठीक है। तो ये बायोलॉजिकली नहीं होता, पहले तो हमें ये छोटी छोटी चीजें समझने की कोशिश करनी है, वरना आई मी माई सेल्फ ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे तीनों के तीनों, तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। इसीलिए मुझे एक और सेशन चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए, कि ये सेल्फ सेल्फ से हमें क्या समझ में आया कि सेल्फ इज नॉट बायोलॉजिकली गिवन, सेल्फ इज सोशली गिवन। इतनी चीज क्लियर हो गई, चाहो तो इस लाइन को लिख लो, सेल्फ इज नॉट बायोलॉजिकली गिवन, सेल्फ इज सोशली गिवन बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। सेल्फ इज सोशली गिवन, सोशली प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। और मीड की ये जो थ्योरी है ये इसी इमर्जेंस, इसी डेवलपमेंट की बात करती है, क्योंकि सिलेबस में आई तो कहीं लिखा ही नहीं है, सिलेबस में लिखा है सेल्फ, तो सिलेबस में ना आई लिखा है ना मी लिखा है, वो तो हम पढ़ेंगे सेल्फ को समझने के लिए। और ये सेल्फ और ये सेल्फ की आइडेंटिटी के बारे में सिलेबस में लिखा है, तो ये जो सेल्फ है ना सेल्फ, तो प्रेजेंटिंग दी सेल्फ, आई और मी नहीं, प्रेजेंटिंग दी सेल्फ। तो ये जो सेल्फ है ये इसकी इमर्जेंस, इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ है, बायोलॉजिकली नहीं है ये, सोशली है। धीरे 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 बचपन में जब आप धीरे धीरे बड़े होते हो, 1 ईयर का बर्थडे, 2 ईयर का बर्थडे, 3 ईयर का बर्थडे, 4 ईयर का बर्थडे, ऐसे करते करते जब आप बड़े होते जाते हो तो एक व्यक्ति के दिमाग में जो आइडियाज डेवलप होते हैं वो इस सोशल सेल्फ को जन्म देते हैं, ठीक है। और यही सोशल सेल्फ इंटरेक्शनिज्म के लिए एक रिसर्च का मुद्दा बन जाता है, क्योंकि इस सेल्फ की आइडेंटिटी कैसे डेवलप हो रही है वो आपकी सोसाइटी पर डिपेंड करता है, इसीलिए इसको सोशल सेल्फ बोलते हैं। यहां तक के क्लियर है भाई साहब? हां जी, इज दैट क्लियर टिल नाउ? तो ये हमको ये वाली स्लाइड समझ में आ गई, बैकग्राउंड जिसको बोलते हैं वो बैकग्राउंड समझ में आ गया, हमने सेकेंड यूनिट से उसको कनेक्ट भी कर लिया है, ठीक है। तो ये हम बाद में समझेंगे कि ये सेल्फ क्या है। यहां पर इतनी चीज काम किया, द सेल्फ इज मेड अप ऑफ द वेरियस पार्ट्स ऑफ द पीपल। हमारा जो सेल्फ है वो डेवलप होता है जब हम बचपन में बहुत सारे लोगों को देखते हैं, सबसे पहले अपने माँ बाप को देखते हैं, दादा दादी को देखते हैं, बुआ को देखते हैं, नाना नानी को देखते हैं, इधर उधर के फिर रिश्तेदारों को देखते हैं, अले ले ले मेरा प्यारा बच्चा। तो फिर जो है हम क्या है, हम प्ले स्टेज में जाते हैं, प्ले स्टेज में हम लोगों से सीखते हैं, हम टीवी से सीखते हैं, और फिर जो है हम क्या बनते हैं, सोशल एक्टर बनते हैं। और हमारे जीवन की अलग 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 स्टेजेस में हमारे ऊपर अलग अलग पर्टिकुलर इंप्रेशन पड़ते हैं, कुछ इंप्रेशंस को हम सस्टेन करने की कोशिश करते हैं, यानी कि जो चीज़ हमें थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगती है हम उसको चाहते हैं कि हम भी वैसे ही करें। और ये जो सेल्फ का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो एरविन गॉफमैन ने दिया था, लेकिन इसको सोशियोलॉजी में फिट किया है जीएच मिड ने, इसलिए हम जीएच मिड को पढ़ रहे हैं कि उन्होंने सेल्फ को आइडेंटिटी के साथ जोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए अब आपको समझ में आ रहा है ना कि इसको हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्यों कह रहे हैं, इंटरेक्शनिज्म संपर्कवाद, संपर्कवाद हम इसको क्यों कह रहे हैं, समझ में आ रही है ना बात? क्योंकि यहां पे आप अलग अलग स्टेजेस में संपर्क करोगे अलग अलग लोगों से और आपका सेल्फ डेवलप होगा, ठीक है। चलो खैर ये सब तो बाकी की बातें हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के ये पायोनियर हैं, एक चीज हमने समझ ली, ये वो व्यक्ति हैं जिन्होंने ये आर्ग्यू किया कि लोग जो हैं, अच्छा एक और चीज, एक तो चीज मैं बताना भूल ही गई कि जब आप एक व्यक्ति की बात करते हो तो इसको सेल्फ लिखते हैं, ठीक है, जो हिंदी मीडियम है वो भी थोड़ा सा देख लें, जब एक से ज्यादा व्यक्ति की बात करते हैं तो इसको सेल्फ लिखते हैं, सेल्व्स, SELVES, सेल्फ्स, जैसे कहते हैं ना माई सेल्फ और अवर सेल्व्स। माई सेल्फ मतलब एक व्यक्ति अपने बारे में बात कर रहा है, पजेसिव प्रोनाउन है, और यहां पर जो है अवर सेल्फ यानी कि हमारे, मतलब हम मतलब कई सारे लोग हो सकते हैं। तो सेल्स अगर कहीं आ रहा है तो घबराएंगे नहीं, इकट्ठे ना हो जाए उसमें कि सेल, अरे राम ये क्या हो गया। तो ये जानकी प्रसाद राजपूत के कोई कमेंट नहीं आया यार, मैंने इनके ऊपर इतनी सारी टिप्पणी करी, तुम पढ़ो कि नहीं हो क्लास में? चलिए, तो इनका कहना ये था, ये रहे आपके जीएच मीड, ये आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इसको कि ये भाई तू आई है और ये तेरा सेल्फ है, ठीक है। यानी कि अगर तू, मैं ये कहूं कि ये तेरा सेल्फ है और ये इसकी आइडेंटिटी है, themselves नहीं होता, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, प्लूरल फॉर्म, बहुत बढ़िया, अंग्रेज हैं सारे हमारी क्लास में। तो आज हिंदी दिवस है ना, आप सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं।
तो हिंदी दिवस की शुभकामनाएं मतलब ऐसी मतलब इतनी हिंदी तो आनी चाहिए कि शुभकामना रोमन में ना देनी पड़े, है ना, इतनी तो आनी चाहिए। चलो, तो ही इज द वन जिन्होंने आर्ग्यू किया कि लोगों का जो सेल्फ है, ठीक है, ये एक सोशल प्रोडक्ट है। यही तो हमने बोला है, ये इनकी भाषा में कि पीपल सेल्फ आर सोशल प्रोडक्ट्स बट दैट दीज सेल्व्स आर ऑल्सो पर्पजेज एंड क्रिएटिव। कहने का मतलब है कि इतनी बात तो हमारी समझ में आ गई थी कि ये सोशल प्रोडक्ट है, लेकिन ये भी बताते हैं क्योंकि इंसान क्या है, इंसान इज अ क्रिएटिव पर्सन ना, वो अपने बारे में सोच भी सकता है ना, और इंसान के सामने लाइफ में अच्छी और बुरी दोनों तरीके की चीजें आती है। कहते हैं ना गुड मतलब एक आपका इविल साइड होता है और एक आपका एंजल साइड होता है। तो जरूरी नहीं है कि इंसान जो है जो भी देख रहा है उसको सबको सीखे, तो वो पर्पजिव भी हो सकता है, ठीक है। जो अगर उसको बुरा इंसान बनना है तो उस तरीके के चीजें सीखेगा, पर्पस है मतलब उसका, और अगर अच्छा बनना है तो अच्छी चीजें सीखेगा। इंसान क्रिएटिव होता है। एक समय के बाद इंसान फिर अपनी हिसाब से चीजें करता है, मतलब फिर वो दूसरों को इमिटेट नहीं करता, नकल नहीं करता, कॉपी नहीं करता, अपनी क्रिएटिविटी खुद दिखाता है। मतलब इट्स लाइक कि पापा तुम्हारे, मान लीजिए अगर मतलब अगर मान लीजिए किसी के फादर जो हैं सिगरेट पीते हैं और आप नहीं पीते हो, लेकिन आपने तो बचपन से देखा है पापा को सिगरेट पीते हुए, तो वो आपके सोशल प्रोडक्ट में ऐड क्यों नहीं हुआ? आप नहीं पीते हो, तो हो सकता है ना कि वो आपने पर्पजली वो चीज छोड़ी हो या पर्पजली आप कुछ ऐसा करना चाहते हो, तो आप क्रिएटिव हो। इंसान एक क्रिएटिव बीइंग है, ठीक है। चलो, तो इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं हम सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की। तो याद रखेंगे जी एच मीड साहब के, मैंने आपको दो हर्बर्ट और बताए थे, एक हर्बर्ट स्पेंसर का नाम बताया था, और ये हम पढ़ते हैं अगस्त कॉम्टे के टाइम पे, सोशल डार्विनिज्म का इनका सिद्धांत है, और एक हमने पढ़ा था हर्बर्ट ब्लमर। तो ये जो हर्बर्ट ब्लमर है, ही वॉज द स्टूडेंट ऑफ मीड। अब इनको हम थोड़ा सा यहां पे पिक्चर में लेके आएंगे। हर्बर्ट ब्लमर वॉज द स्टूडेंट ऑफ मीड, ठीक है। हेलो सत्यम। और इन्होंने मतलब मीड ने तो सिर्फ चीजें समझाने की कोशिश करी थी, और इसीलिए इनको फाउंडर बोलते हैं। कहते हैं ना गुरु दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में क्या कर दिया इनको, बोल दिया गया फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। लेकिन जिस व्यक्ति ने ये टर्म दी थी, भले ही सिद्धांत जी एच मीड दे के गए थे, लेकिन ये टर्म देने वाला व्यक्ति है हर्बर्ट ब्लमर। याद रखना, कॉइंड द टर्म, ये टर्म जो है इन्होंने दी थी। और क्योंकि ये टर्म इन्होंने दी थी, है ना, और ये टर्म दिया कब था, इनकी डेथ के बाद, है ना, 1937 में, और एज अ आप कह सकते हैं कि 1931 में इनकी डेथ हो गई थी। अपने को सब चीज़ देखो पता होनी चाहिए, अपन सोशल मतलब ऑप्शनल पढ़ना है तो ऑप्शनल की तरीके से जितना हम डिटेल में जा सकते हैं उतना पढ़े हम, वो ज़रूरी है। 1931 में डेथ हो गई। अब श्रद्धांजलि के नाम पर कुछ तो चढ़ाने आएंगे, तो चढ़ा दिया क्या कि सरजी का जो सिद्धांत था उसका नाम रख दिया क्या सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म 1937 के अंदर, और बोल दिया कि सरजी इसके फाउंडर है। चलिए ठीक है, कोई नहीं, क्योंकि सरजी इसके फाउंडर इसलिए थे क्योंकि सरजी ने बहुत सारे ऐसे ऐसे लिखे थे जहां पर संपर्कवाद के बारे में उन्होंने समझाने की कोशिश करी थी। लेकिन हमको कुछ लोग और मिलते हैं, जैसे ये तो हर्बर्ट मीड है, इनके अलावा और भी लोग हैं जो कि सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के लिए सोशियोलॉजी मतलब सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट हैं। इंट्रैक्शनिस्ट यानी कि जो इंट्रैक्शनिज्म के संपर्कवाद की थ्योरी को मानता हो और उसको सपोर्ट करता हो, उसमें विश्वास रखता हो, इंटरैक्शनिस्ट बोलेंगे उनको, IST, जो इज्म में मानता है, इज्म एक सिद्धांत है, उस इज्म में मानने वाले व्यक्ति को IST मतलब उसके फॉलोअर्स को बोलेंगे। तो गॉफमैन ये रहे, गॉफमैन ने भी सेल्फ के बारे में बताया, अभी याद है ना मैंने आपको बताया था कि गॉफमैन ने भी सेल्फ के बारे में कहा है। हर्बर्ट ब्लमर ये रहे भाई साहब, हर्बर्ट ब्लमर ये वो व्यक्ति है जिन्होंने सिंबॉलिक इंट्रैक्शन नाम की टर्म दी है। इसके अलावा चार्ल्स कूले हैं, इनका भी नाम आपको देखने के लिए कहीं ना कहीं मिल जाएगा, बट क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है तो इतना हमें पेन लेने की जरूरत नहीं है। इनके अलावा और भी लोग हैं, अगर आपसे कोई बोले कि आपसे कोई बोले चार सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिस्ट के नाम बताओ, भले ही मतलब चलो आप इंटरव्यू में पहुंच गए, इंटरव्यू में जाने के बाद आपसे पूछा गया कि आपका ऑप्शनल क्या है, आपने कह दिया कि जी मेरा ऑप्शनल ये है,
आपसे पूछा चार सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट के नाम बताओ, दिक्कत वहीं शुरू, क्योंकि अपने सिलेबस में तो बस मीड लिखा था, अब क्या करें। थिंकर्स में मीड इंपॉर्टेंट है कि नहीं? वाह, वापस जाओ सिलेबस डाउनलोड करो यूपीएससी की साइट से, और सिलेबस के साथ साथ लगे हाथ प्रीवियस ईयर पेपर भी डाउनलोड कर लेना फ्री में, और फिर पेपर में क्वेश्चन देख लेना आते हैं कि नहीं आते हैं, तो ये सवाल पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचो मतलब तुम क्या ही कर रहे हो, तुमको कल को आईएएस बनना है, नदी के ऊपर डैम बनाने के लिए मुख्यमंत्री तुमसे बोल रहा है और तुम कह रहे हो क्या डैम बनाना इंपॉर्टेंट है, नाव चला के भी तो जा ही रहे हैं ये, नाव में बैठ के भी तो काम हो ही रहा है इनका, पुल बनाना इंपॉर्टेंट है क्या, सोचो। तो भैया जो सिलेबस के अंदर है वो सब इंपॉर्टेंट है, और वैसे तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में चार बड़े बड़े सोशियोलॉजिस्ट के नाम है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वो आपके सिलेबस में नहीं है। और इतनी तो कृपा कर दो ना डीएम साहब कि जो सिलेबस के अंदर है एटलीस्ट वो तो पढ़ ही लेते हैं ना हम लोग, सोशियोलॉजिस्ट नहीं बनना है हमें, लेकिन जो सिलेबस के अंदर है उसे तो पढ़ ही लेते हैं। क्यों बनाना है डैम? तो जॉन सोचो, अगर तुम ऑफलाइन क्लास में होते तो मजा ही आ जाता कसम से। जॉन डीवे नाम के एक सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो भी इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। एक और हैं जिनका नाम विलियम थॉमस है, वो भी इसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट हैं वो भी। तो एटलीस्ट अपने को साइंटिस्ट के नाम मतलब सोशियोलॉजिस्ट के नाम भी तो पता होने चाहिए ना। और ये सब के सब जो हैं कहाँ हैं भैया? मीड इनके प्रोफेसर थे, याद है ना, मीड प्रोफेसर थे, पढ़ाते थे कहाँ? शिकागो स्कूल में पढ़ाते थे। तो ये सारे लोग वहीं से निकले हुए हैं, ठीक है, ये सारे के सारे वहीं से हैं, कोई इनके साथ पढ़ाता था, कोई इनका स्टूडेंट था, और ये ऐसे ही मतलब लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। अब प्रोफेसर अपनी कोई थ्योरी पढ़ा रहा है तो कुछ लोग तो उसको सुनी रहे हैं ना ढंग से बैठ के, और कुछ लोग तो उसको फॉलो करेंगे, और कुछ लोग अपनी डिग्री लेके निकल लेंगे। अरे महादेव जी, आप तो एकदम ऐसे डिलीट नहीं करो, मेरी क्लास में जो है मैसेज डिलीट करना अलाउड नहीं है, ठीक है, मतलब जो लिख दिया वो लिख दिया, ठीक है। मुख्यमंत्री के ऑफिस से पर्चा वापस ले आओगे क्या तुम? दिन में कुछ दिया था, मुख्यमंत्री ने कुछ बोल दिया, रात को गए चुपके से, ठीक है, तुम्हारा ड्राइवर उसके गेटकीपर को जो है लेके गया चाय पिलाने, और तुमने वो पर्चा वापस ले लिया, क्यों? क्योंकि कल को फिर से क्लास लगेगी, ऐसा होता है क्या? सोचो, ठीक है। चलो तो मुद्दे की बात करते हैं। ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये वेबर के आइडिया ऑफ वस्टेहन से निकला है। वस्टेहन यानी कि क्या? इंटरप्रिटिविज्म। हेलो उमेश, वस्टेहन यानी कि, कल को कोई पूछा कि कहां से निकला है ये, तो ये वस्टेहन से निकला है, ठीक है, इंटरप्रिटिविज्म से निकला है, और वेबर के और भी बहुत सारे आइडियाज से ही प्रेरित होकर इन्होंने ये थ्योरीज दी हैं। यहां पर मीड कहते हैं कि देखो भाई, इंसान के ना बिहेवियर को समझना बहुत जरूरी है, और मीड साहब थे एक साइकोलॉजिस्ट, और वो कहते थे कि ह्यूमन शॉर्ट नोट बनाते चलना, ठीक है, ह्यूमन बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, मैं बढ़िया हूं। और ह्यूमन बिहेवियर को गवर्न कौन करता है? ह्यूमन बिहेवियर मतलब आप कैसे बिहेव करेंगे वो किस चीज पे डिपेंड करता है? वो आपके इंटरनल प्रोसेस पे डिपेंड करता है। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म समझाने की कोशिश मैं आपको कर रही हूं। इंटरनल प्रोसेस कैसे होता है? प्रोसेस का मतलब तो ये है ना कि कोई चीज आपके दिमाग में चल रही है, आप 10 चीजें देख रहे हो, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है, आप देख रहे हो कि आपका एक क्लासमेट जो है दीवार बंक करके जा रहा है और जो है मस्त मजे ले रहा है, पिक्चर देख रहा है, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो कि आपका एक क्लासमेट और है जो कि क्लास में बैठा हुआ है, पढ़ रहा है, एकदम घोट के पी जा रहा है। अब वो दोनों चीजें आपके दिमाग में चल रही हैं, ये प्रोसेस हो रहा है, और ये प्रोसेस हो रहा है, इस प्रोसेस के बाद आपको पढ़ाई करनी है या आपको भी दीवार फांद के जो है पिक्चर देखने जाना है, वो आप डिसाइड करोगे, यानी कि वो आपका ह्यूमन बिहेवियर होगा कि आप क्या करने वाले हो। तो इंटरनल प्रोसेस
गवर्न करता है इंसान के बिहेवियर को, और इंटरनल प्रोसेस कैसे चलता है जब आप दूसरों को देखते हो, तो इंटरनल प्रोसेस में हम क्या करते हैं, बाई इंटरप्रेटिंग, यही होता है ना जीवन में। सोशियोलॉजी पढ़ने का सबसे सही फायदा यह है कि इस पूरे के पूरे ऑप्शनल में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो आपको सिलेबस लगे, यहां वो सब कुछ है जो आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी सोसाइटी में हो रहा है। मतलब अलग से ऐसा कुछ थ्योरम याद नहीं करनी, सब समझ में आएगा अगर समझने की कोशिश करोगे। तो आप इंटरप्रेट कर रहे हो, मतलब आप देख रहे हो किसको, द होल वर्ल्ड। जब हम सोशियोलॉजी में बात करेंगे तो भैया पूरी दुनिया देखेंगे हम तो। और सोशल एक्टर क्या देख रहा है, पूरे की पूरी दुनिया को देख रहा है अराउंड देम, और फिर क्या कर रहा है, जो भी चीजें देख रहा है उनसे अर्थ लगा रहा है। अर्थ मतलब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, क्या अर्थ है और क्या ही अनर्थ है। एंड गिव मीनिंग टू देयर लाइव्स। तो आप अपने जीवन को सही अर्थ में भी लेके जा सकते हैं, यानी कि अच्छी चीजें भी कर सकते हो, क्लास में बैठ के पढ़ सकते हो, या फिर जो है एक क्लिक मार के YouTube बंद करके आप जो है मस्त चिल मार के जो है अपनी कोई महारानी टाइप की कोई अपनी वेब सीरीज देख सकते हो। तो आपको आपकी लाइफ को क्या मीनिंग देना है वो आपके इंटरनल प्रोसेस पे डिपेंड करेगा, और उसी इंटरनल प्रोसेस से आपका ह्यूमन बिहेवियर डिसाइड होगा कि जब 10 बच्चे अलग से पढ़ रहे हैं और आप जो है यूट्यूब की क्लास भी, फ्री की क्लास भी छोड़ के क्या कर रहे हो, वेब सीरीज देख रहे हो, तो ये आपका ह्यूमन बिहेवियर है। समझे कि नहीं समझे? तो अगर समझ गए तो मैम इंटरेक्शन तो इसमें कहीं नहीं आया अभी तक, आएगा कि ये जो मीनिंग आपने अपनी लाइफ को दिया है, ठीक है आगे चलते हैं, कि ये जो मीनिंग आपने अपनी लाइफ को दिया है, ये जो मीनिंग है वही आपकी लाइफ को क्या करेगा, वही आपकी लाइफ को री इन्फोर्स करेगा और क्या करेगा, आपकी लाइफ को मॉडिफाई करेगा। ठीक है, अच्छे बनोगे कि बुरे बनोगे ये आपके इस मीनिंग से निकलेगा कि आपने अच्छा अर्थ निकाला किसी चीज का या अच्छा अर्थ नहीं निकाला। मतलब एक लड़की खड़ी है आपके सामने और उसने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहनी हुई है, ठीक है, और वन पीस पहना हुआ है या कोई मतलब नीज तक की कोई ड्रेस पहनी हुई है, उसको आपने देखा मान लीजिए, और उसको आपने देख के आप दो तरीके के मीनिंग निकाल सकते हो। एक एकदम ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी वाले लड़के की तरह है ना, मान लीजिए कि अरे मतलब दिमाग में कुछ और ही चल रहा है आपके, और एक आप उसकी ब्यूटी को या उसके कॉन्फिडेंस को प्रेस कर सकते हो कि हाँ देखो इसने कितनी कॉन्फिडेंटली अपनी ड्रेस को कैरी किया हुआ है। ये दो तरीके के मीनिंग निकल सकते हैं और यही मीनिंग आपकी लाइफ को क्या करेंगे, रीइन्फोर्स और मॉडिफाई करेंगे। तो एक जो गलत मीनिंग निकाल रहा है वो किसी और ही दिशा में चला जाएगा, वो टीज भी कर सकता है, वो मतलब कुछ छेड़ सकता है, कुछ भी छेड़खानी कर सकता है, और जो सही अर्थ निकाल रहा है, अच्छा अर्थ निकाल रहा है, वो ये सोच रहा है कि हाँ देखो लड़की कितनी सुंदर लग रही है, कॉन्फिडेंट लग रही है, अपने ड्रेस को अच्छे से कैरी कर पा रही है, एंड शी इज लुकिंग परफेक्ट, और आपके दिमाग में इस तरीके का कोई विचार भी नहीं है। तो अगर कोई दूसरा उसको छेड़ रहा है जिसने गलत मीनिंग निकाला है, तो आप क्या उसको वहां पर रोक दोगे। तो ये जो मीनिंग है वो आपकी लाइफ को क्या करेंगे, रीइन्फोर्स करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, ठीक है। और ये कैसे मॉडिफाई और कैसे रीइन्फोर्स करेंगे, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। आ गया जी, इंटरेक्शन कहां से निकल के आया, इंटरप्रिटेशन से निकल के आया, थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन। इज दैट क्लियर? तो ये जो है इंटरेक्शन है बेसिकली, तो मीड के हिसाब से जो इंटरेक्शन है वो क्या करता है आपके लाइफ के मीनिंग्स को, वापस से चलो, इंटरेक्शन क्या करता है आपकी लाइफ के मीनिंग्स को मॉडिफाई और रीइन्फोर्स करता है। ये मीनिंग कैसे मॉडिफाई और रीइन्फोर्स करता है, जब आप किसी को इंटरप्रेट करते हैं जो आपके आसपास हो रहा है, ये इंटरप्रिटेशन से क्या होता है, आपके इंटरनल प्रोसेस से, आपका इंटरनल प्रोसेस क्या है वो चलता है, दिमाग की बत्ती जलती है मेंटोस की, और वहां से फिर आपके ह्यूमन एक्शन, ह्यूमन बिहेवियर डिसाइड होते हैं। ठीक है, यहां तक के समझ में आया कि नहीं आया? तो अगर मैं इसको एक लाइन में समझाने की कोशिश करूं, लिख लिया होगा आपने, तो भाई साहब ये सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म क्या है, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। तो जिनकी पहली क्लास है उनको समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन समझो,
इज्म तो कुछ नहीं है, इज्म वो सिद्धांत है, ठीक है, इज्म वही फिलॉसफी है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है? सिंबॉलिक इंटरेक्शन जोर देता है, प्रभाव डालता है, स्ट्रेस अपॉन, स्ट्रेस मतलब किसी चीज पे जोर देना, स्ट्रेस स्ट्रेस अपॉन दी सोशल फिनोमेना। ये एक ऐसा सामाजिक फिनोमेना है, ये एक ऐसा सामाजिक फिनोमेना है जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिनोमेना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन और अमंग दो व्यक्ति या दो से ज्यादा व्यक्ति, अमंग इंडिविजुअल्स। और अगर हम फिर से देखो, ये टर्म जो है आपको ना क्लिक करनी, इंडिविजुअल्स यानी कि इंडिविजुअल की बात हम कहां करते हैं, इसका मतलब हम माइक्रो सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं। माइक्रो सोशियोलॉजी मतलब कि ये नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी है। नॉन पॉजिटिविस्ट मेथोडोलॉजी मतलब यहां पर हम क्वालिटेटिव एनालिसिस करेंगे, क्वांटिटेटिव नहीं करेंगे। समझे कि नहीं? मैं जॉब करता हूं, मुझे घर पे आने में लेट हो जाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कुछ दिक्कत नहीं है, यहां से समझो, ठीक है, बाकी आप देख लेना पीछे से। तो स्ट्रेस डालता है ये सोशल फिनोमिना पे, जो सोशल फिनोमिना जिसमें हम इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, लोगों के इंटरेक्शन की बात, क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्ट करेंगे आप तभी आपका सोशल बिहेवियर जो है, ह्यूमन बिहेवियर तय होगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ इंटरनल इंटरप्रिटिविज्म, ठीक है, वो सारी चीजें। तो सिंबॉलिक का क्या मतलब है? इंटरेक्शन तो हम समझ गए, सिंबॉलिक का मतलब क्या है? तो मीड भाई साहब ने यहां पर समझाया है कि ये जो अकॉर्डिंग टू मीड हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये सिंबॉलिक क्या बवाल है, आज हम ना यही सब समझे। देखो पीपीटी मेरे पास सारी है, लेकिन मुझे आपको एक एक चीज को रोक रोक के समझाना है जिससे कि आपके दिमाग की बत्ती चले, आप इसे डेफिनेशन की तरह ना रटो, आप जब एक बार रिवाइज करो सोने से पहले, देखो कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो मीड कह रहे हैं कि इंट्रैक्शन कब पॉसिबल है, इंट्रैक्शन तो हमें करना है जिससे कि हमारा ह्यूमन बिहेवियर तय होगा। इंटरेक्शंस कब पॉसिबल है? इंटरेक्शंस आर पॉसिबल ओनली थ्रू सम सिंबल्स। कैसे पता कर लेते हो? क्लास के अंदर या बस स्टैंड पे खड़ी हुई लड़की तुमको लाइन मार रही है या तुम उसको लाइन दे रहे हो, कैसे पता कर लेते हो? कह के पता करते हो क्या? हाँ, कह के पता करते हो क्या? नहीं, कुछ कुछ सिंबल्स होते हैं, है ना, मतलब ऑफिस में मान लीजिए किसी लड़की ने आपको देख के खुले हुए बालों को यूं पीछे किया, आप एकदम खुश हो गए, आपके साइड में जो है दिल गार्डन गार्डन हो गया, वायलिन बजने लगा, यशराज की पिक्चर के गाने चलने लगे, कैसे कैसे पता चल जाता है? वो कह थोड़ी रही है आपसे, कुछ वार्तालाप हुआ है क्या? नहीं हुआ। तो जब वार्तालाप नहीं हुआ तो इसका मतलब कुछ सिंबल्स है, कुछ तो इशारा है, इशारों इशारों में दिल देने वाले, बता ये हुनर तूने सीखा कहां से? तो ये क्या है, इसको हम कहते हैं, इट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट सिंबल्स, सिग्निफिकेंट सिंबल्स। समझे कि नहीं समझे? जैसे कि अब मान लो, है ना, सिंबल्स में इन्होंने जो है लैंग्वेज को भी रखा है कि लैंग्वेज भी एक तरीके का सिंबल है जहां पर दो लोग आपस में इंटरेक्शन कर सकते हैं विद द मीडियम ऑफ लैंग्वेज। भाषा क्या है? भाषा हमारे विचारों को, यही पढ़ा था ना बचपन में हिंदी व्याकरण में, भाषा व्यक्ति के विचारों को आदान प्रदान करने का साधन है। लैंग्वेज इज अ मीडियम टू इंटरेक्ट विद अदर्स एंड टू एक्सप्रेस अवर व्यूज, है ना, यही है ना। तो लैंग्वेज भी एक सिंबल है। जेस्चर्स, जेस्चर्स है ना, कोई तुम्हें देख के ऐसे खड़ा हुआ है, गर्दन अजय देवगन की तरह टेढ़ी कर ली है और फिर तुम्हें देखे जा रहा है, फिर हल्की सी स्माइल कर दी है, क्या है ये? जेस्चर है। कोई लड़का है, लड़की बस में चढ़ी और तो लड़का जो है उठ गया और अपनी सीट दे दी, कोई बात नहीं हुई, क्या है? जेस्चर है आपका, इंटरेक्शन है ये, आपके ह्यूमन बिहेवियर को तय करता है ये, ठीक है। आप ऑफिस में गए, आप डिनर पे गए, आपने जो है अपने साथ में जो महिला है उसके लिए सीट पीछे खींची और उसको बैठने के लिए पहले बोला, क्या है? ये जेस्चर है, ये आपके ह्यूमन बिहेवियर को दिखाता है।
तो ये कब आएगा? जब दिमाग में पहले तुम प्रोसेस कर लोगे, जब तुम्हें लगेगा कि हाँ लड़की खड़ी हुई है, मैं बैठा हुआ हूं, ये चीज तुम्हारे दिमाग में फ्रैक्शन और मोमेंट के लिए चलेगी और तुम फटाक से खड़े हो जाओगे और उसको कह दोगे कि आप बैठ जाइए। तो वो जो इंटरनल प्रोसेस है ना, वही आपके ह्यूमन बिहेवियर को बताएगा। और ये इस तरीके से हम जो है दूसरों के साथ इंटरेक्शन कर पाते। तो इंटरेक्शन का मतलब ये नहीं है कि आप बहन चुगली करें, मतलब बैठ के बात करोगे तो ही इंटरेक्शन है, वो जरूरी नहीं है। वो लैंग्वेज, जेस्चर, स्माइल इज ऑल्सो अ जेस्चर, ठीक है, ये सब चीजें आपके यहां पर आती हैं, सिंबल्स के रूप में हम इनको पढ़ते हैं। तो अब हमें समझ में आ गया है कि इंटरेक्शन वो भी सिंबॉलिक। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन क्या है? ये लैंग्वेज और लैंग्वेज के अलावा कुछ जेस्टर्स के मीनिंग से हमें पता चलता है। तो लैंग्वेज और जेस्टर से हम क्या निकालेंगे? हम किसी के बिहेवियर का मीनिंग निकालेंगे, मीनिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब मान लो कि लड़की खड़ी है और तुम मस्त बैठे हो हेडफोन लगा के, और लड़की मतलब तुमसे कुछ कहेगी थोड़ी ना, जब तक कि वो सीट महिला के लिए रिजर्व नहीं होगी तुमसे कुछ कहेगी नहीं, लेकिन मन मन में तुम्हें ऐसी मतलब कैसा लड़का है, लड़की को खड़ा हुआ देख के भी जो है मतलब खड़ा नहीं हो रहा है, पीछे से मुझे धक्के लग रहे हैं, फिर भी मतलब अपनी वेब सीरीज देखे जा रहे हैं, सीरीज देख रहा है महारानी, और जो साइड में रानी खड़ी है उसको सीट नहीं दे रहे, मतलब लड़की जो है तुम्हारा मतलब वहीं वहीं पूरा मतलब बस नहीं करता, बस नहीं चलता, नहीं तो 360 डिग्री जला डालती तुमको। तो मीनिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर लैंग्वेज और जेस्टर से हम निकालते हैं मीनिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। तो इससे क्या होता है कि हमारी अटेंशन डायरेक्ट होती है, ठीक है, इट गाइड्स अवर अटेंशन। समझे कि नहीं? इट गाइड्स अवर अटेंशन टू द डिटेल्स ऑफ इंटर का मतलब ही होता है ना दो या दो से ज्यादा के बीच में, इंटरपर्सनल इंटरेक्शन। समझे कि नहीं समझे? सो दिस इज ऑल अबाउट सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, जो आपको समझना जरूरी है। इरविन गॉफमैन एक सबसे बड़े मतलब आप कह सकते हैं कि ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, जिन्होंने लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं। कौन? गॉफमैन, इरविंग गॉफमैन। आपकी किताब में इनका नाम इरविंग आई से होगा, जबकि कुछ लोग इनका नाम इरविंग ई से लिखते हैं, ठीक है। इरविंग गॉफमैन वो व्यक्ति हैं जिन्होंने जो है जॉर्ज हर्बर्ट मीन, जो कि 31 में मर गए थे और ये 22 में इनका जन्म हुआ था, तो सोचो इनका जब ये करियर चालू हुआ होगा तो इन्होंने पूरा का पूरा जॉर्ज हर्बर्ट मीड के एसेज और उनके आर्टिकल्स को ही पढ़ा होगा, और आर्टिकल्स और एसेज को पढ़ के चेला चीनी बन गया। तो इरविंग गॉफमैन के बारे में कहते हैं कि ही वॉज द मोस्ट सक्सेसफुल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट एंड ही मेड द लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन इन हिज स्टडीज, क्योंकि इनकी जो स्टडी थी इन्होंने करी स्टडी ऑन मेंटल सिस्टम। जरूरी नहीं है आपके लिए सिलेबस के लिए, बट समझने के लिए जरूरी है, मेंटल सिस्टम के ऊपर। ये सिर्फ सेल्फ और आइडेंटिटी को बता पाए, इन्होंने पूरा मेंटल सिस्टम घोट के पी गई है, मेंटल सिस्टम की स्टडी करी है, और इन्होंने जो है बताया है कि लोग अपने आप को सोशल एटमॉस्फेयर में किस तरीके से प्रेजेंट करना पसंद करते हैं, है ना, हाउ पीपल प्रेजेंट देमसेल्व्स इन द सोशल एटमॉस्फेयर, सोशल डोमेन और सोशल एनकाउंटर्स। मतलब क्या है? मतलब ये है कि घर पे आए रिश्तेदार, ठीक है, मतलब ये है कि ये तुम हो, ये थ्योरी, ये एग्जाम्पल को मैं बार बार यूज करूंगी, ठीक है, तो ये पकना मत इस एग्जाम्पल से, इसमें हमें बार बार यूज करना है। ये तुम हो, तुम्हारे घर पे एक अंकल प्लस एक आंटी आए, ठीक है, और ये तुम्हारे मम्मी पापा है, और ये हमारा बचपन है, और बचपन का प्यार क्या होता है? बचपन का प्यार है भैया समोसा, बिस्कुट, बिस्किट भी नहीं बोलते थे हम तो इनको, बिस्कुट बोलते थे, नमकीन, और हम लोग यही और साथ में मिलने वाली विदा, जब अंकल आंटी जाएंगे तो साथ में मिलने वाली विदा, ये हमारा बचपन का प्यार है। अब होता क्या है कि यहां पे लगी हुई है टेबल,
ठीक है साहब, इधर रखी हुई है प्लेट, और यहां पे मान लो इसमें समोसे रखे हुए हैं, इसमें नमकीन बिस्किट रखे हुए हैं। अब क्योंकि मम्मी पापा ने तुम्हारी की इतनी मतलब तुम्हारी इतनी जो है तुमको समझाया हुआ है, इतना जो है तुमको ज्ञान दिया हुआ है कि कोई भी आए तो जब तक वो तुमको अपने हाथ से ना दे तो लेना नहीं है पहली बात तो, और जब दे भी तो चार बार मना करना है कि नहीं अंकल अभी अभी खाना खाया हमने, अरे नहीं आंटी मम्मी ने आज बहुत बढ़िया खाना बनाया था, अभी अभी खाया है, अभी अभी हम तो खाना खा के ही फ्री हुए थे, हाथ नहीं लगाना है। ठीक है, ये क्या है आपका आई है, आई ये क्या है आई है, मतलब आप हाथ नहीं लगा रहे हो, मन में तुम्हारे लड्डू फूट रहे हैं, ये क्या है मी है, मी मन में लड्डू फूट रहे हैं, मतलब तुम दिख कुछ और रहे हो अंदर चल कुछ और रहा है, तुम दिख कुछ और रहे हो अंदर चल कुछ और रहा है, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है आई और मी के बीच में। या एक काम करो, एक सेकेंड, आई मतलब मी तो रिफ्लेक्सिव है ना, ओ शिट, अरे यार मिट गया सारा, कोई नहीं फटाफट से बना देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करना था, ये आई हो तुम, आई तुम यहां पे हो, मतलब तुम देख रहे हो लपलपा रहे हो लेकिन तुम ले नहीं रहे हो, ये मी हो तुम कि अभी नहीं लूंगा, तुम जाओ तो सही, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा मैं इसमें से। ठीक है, तो क्या लिखा था हमने, नमकीन लिखी थी, बिस्कुट लिखा था, बिस्कुट और भले ही पार्ले जी वाला हो है ना, और साथ में हमने विदा लिखी थी, और सबसे ऊपर लिखा था समोसा, समोसा। तो ये है आपके मौसा और ये है समोसा, तो मौसा से ज्यादा प्यारा है समोसा, ये हो आप। ठीक है, तुम मतलब बस आंसू बहा दोगे अगर तुम्हें दो मिनट में समोसे नहीं मिले तो, इनसे तुम ले नहीं रहे हो, मम्मी पापा ने समझाया हुआ है कि नहीं मतलब लेना नहीं है, अगर दें भी तो बोल देना है अभी अभी खाना खाया है, अभी भूख नहीं लग रही, आज जो है सुबह से बहुत खा लिया है, आज दोस्त की पार्टी में जाना है, मैं तो खेलने जा रहा हूँ, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, ये तुम यहां पे दिखा रहे हो मी, यानी कि रिफ्लेक्स कर रहे हो, रिफ्लेक्स, अभी हम रिफ्लेक्सिबिलिटी भी पढ़ेंगे। और जैसे ही तुम्हारे मौसी मौसा गए, बोले विदा मिल गई है, पहले तो सबसे पहले ये वाला काम हुआ, विदा मिली, वो रखी जेब में, और वो जेब में 5 मिनट से ज्यादा की नहीं है, क्योंकि जब तक जैसे ही मम्मी छोड़ के आएगी सबसे पहले तुम्हारी विदा पे आक्रमण होगा, और वो हमें पता है कि विदा पे आक्रमण होता ही होता है मम्मी का, तो हम किस पे आक्रमण करते हैं कि जब तक मम्मी आए उससे पहले निपटा दो, नमकीन निपटा दो, बिस्कुट निपटा दो, समोसा निपटा दो, है ना। तो आई तुम थे यहां पे, देख रहे थे टुकुर टुकुर, मन कर रहा था तुम्हारा लेकिन तुम खा नहीं रहे थे, तो क्योंकि तुम दिखा रहे थे कि मैं ऐसा हूं, कैसा हूं मैं, ऐसा हूं। ठीक है, लेकिन जैसे ही वो नीचे गए, जैसे ही वो नीचे गए तो तुम सोच रहे थे कि मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा क्यों हूं, और तुमने क्या किया, आक्रमण कर दिया। तो वो तुम्हारा क्या हुआ, वो हुआ तुम्हारा सेल्फ, वो तुम्हारी असली औकात है, मतलब हम सबकी वो असली औकात है। तो आई मी और सेल्फ के बीच का अंतर समझ में आया, सेल्फ क्या है, एक सोशल प्रोडक्ट है, सेल्फ एक सोशल प्रोडक्ट है ना, ना मम्मी तुम्हें पहले ऐसे करती, पहले ही तुम्हारा समोसा अगर अगल निकाल के तुमको दे देती ये समोसा पहले ही, तो तुम आक्रमण करते ही नहीं। इसका मतलब ये जो सोशल प्रोडक्ट तुम्हारा निकला है ऐसा, ये जो सेल्फ वाला निकला है वो इसलिए निकला है क्योंकि तुमको रिस्ट्रेन किया गया है। तो आई मी और सेल्फ, समझे कि नहीं, हाथी के खाने के दांत और दिखाने के दांत और। फिर लगी तुम्हारी कुटाई हम सबके साथ ऐसा ही होता था, कुछ भी नहीं छोड़ा है ना, अभी शाम को बुआ भी आने वाली है, मैं तो सोच रही थी कि यही समोसे दे देती उनको, नमकीन भी खत्म कर दी, चलो बिस्किट तो अच्छा हुआ खा लिए क्योंकि सील जाते वो। फिर तुम्हारी उसी टेबल पे रख रख के मारा, और क्योंकि उसी टेबल पे रख रख के मारा तो फिर तुम ऐसे हो गए,
फिर तुम ऐसे हो गए। तो पहले मैं ऐसा था, अब मैं ऐसा हो गया, ठीक है। तो आई मी और सेल्फ के बारे में थोड़ा सा समझ में आया कि ये क्या है। हम इन्हीं की बात करने वाले हैं डिटेल में सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से। अभी तो बस मैंने आपको समझाने के लिए इतना समझा दिया है। और जो हर्बर्ट ब्लमर थे, मीड के जो स्टूडेंट थे, उन्होंने इस बिहेवियरलिज्म को लेकर, ठीक है, जैसे कि गॉफमैन ने मेंटल सिस्टम को समझाने की कोशिश करी है, वैसे ही हर्बर्ट ब्लमर ने समझाने की कोशिश करी है स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म को और बिहेवियरलिज्म को। तो पीपीटी सारी बनी हुई है, ठीक है, बट मैं तुमको अभी दिखाना नहीं चाहती। मैं तुमको इस टॉपिक में जितना तुम ज्यादा समझ लोगे ना, उतना ज्यादा बढ़िया है। तो हर्बर्ट ब्लमर ने बिहेवियरलिज्म की थ्योरी दी है, बिहेवियरलिज्म की थ्योरी दी है, प्लस प्लस इन्होंने, देखो आपको मीड ने सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म समझाया है, इन्होंने समझाया है स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म, फंक्शनिज्म। और इसी स्ट्रक्चरल फंक्शनिज्म को आगे लेके चलेंगे कौन, टेलकॉट पर्सन। इनको हम आगे वाले टॉपिक में इन्हीं को पढ़ने वाले हैं, टेलकॉट पर्सन अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। तो समझे कि नहीं समझे, तो यहां तक के समझ में आ गया होगा। इन्होंने यही बताने की कोशिश करी है कि इंसान का कोई बिहेवियर क्यों होता है, फोकस किया है कि कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स, फोकस्ड ऑन फैक्टर्स, फोकस्ड ऑन फैक्टर्स दैट कॉजेज ह्यूमन बिहेवियर, दैट कॉजेज ह्यूमन बिहेवियर। कि इंसान का ऐसा बिहेवियर है तो क्यों है, वो कह रहे हैं कि कुछ सिंबल्स की वजह से है, लेकिन उन सिंबल्स के पीछे के क्या कारण हैं, तो वो इन्होंने समझाए हैं। वो सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म समझा रहे हैं, ये हमें समझा रहे हैं कि ये बिहेवियरिज्म किन फैक्टर्स की वजह से होता है। फैक्टर्स जैसे कि मान लीजिए एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं, और मान लीजिए कोई सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, ठीक है, सोशल नॉर्म्स हो सकते हैं, जैसे कि मम्मी ने बोला है कि नहीं खाना है तो नहीं खाना है, तो सोशल नॉर्म है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमको थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल कोई भी जो ह्यूमन सोसाइटी में होता है, ठीक है, वो उसको हम एक यूनिट की तरह नहीं देखते। यूनिट मतलब जिसके अंदर काफी सारी चीजें हों, जो यूनिट जो किसी एक्सटर्नल या किसी इंटरनल फोर्स से कंट्रोल हुई हो, और कोई ऐसी चीज, कोई भी उसका बिहेवियर ऐसा नहीं होता जो उसके कंट्रोल में ना हो। ऐसा हम मानते हैं कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन सोसाइटी जो है, सोसाइटी की अगर हम बात करें तो सोसाइटी के कंट्रोल में सारी चीजें हैं। मतलब सोसाइटी के अंदर चीजें इस तरीके से पनपती हैं, इवॉल्व होती हैं, कि अगर सोसाइटी चाहे तो उन चीजों को कंट्रोल कर सकती है, ठीक है। सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर है वो इवॉल्व होने वाला है, इवॉल्विंग स्ट्रक्चर है, मोर और लेस ऐसा नहीं है कि फिक्स हो स्ट्रक्चर। तो रिफ्लेक्टिव या फिर इंटरेक्टिंग चीजें जो है हमें सोसाइटल एंटिटी में देखने के लिए मिलती ही मिलती हैं। यहां तक की चीजें क्लियर हो गई हैं कि नहीं हुई हैं, प्लीज बताइए, सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड, ठीक है, बताइए जल्दी फटाफट से। तो इसके बाद मैं आपको कुछ टर्म बताने वाले हूं, वो टर्म्स जो है हमें ध्यान में रखनी है। और अगर आप देखेंगे तो आपकी बुक्स के अंदर ये टॉपिक बहुत छोटा है, लेकिन बहुत डीप चीज़ है, क्योंकि छोटी चीज़ को रटना इजी होता है, लेकिन उसको समझ पाना गहराई से बहुत मुश्किल है। एक ही थ्योरी है, इसलिए हम उस पर, ऐसा नहीं है कि बस पढ़ा और ख़त्म करके आगे बढ़ दिए, ठीक है। तो ये जो सेल्फ आइडेंटिटी है, ये काफ़ी सारी चीज़ों से बनती है। अगर हम इसे सोसाइटी के पर्सपेक्टिव में देखें तो यहाँ पर ये नेशनल आइडेंटिटी भी होती है आपकी सेल्फ की, आपकी लैंग्वेज, रिलीजन और जेंडर की वजह से भी आपकी एक आइडेंटिटी डेवलप होती है, ठीक है। एक इंसान का सेल्फ, एक उसकी आइडेंटिटी कैसे बनती है, भाई आप किसी ना किसी नेशनैलिटी के हैं, ये आपकी आइडेंटिटी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन से देश के वासी हैं, तो आप अपनी नेशनैलिटी बताएंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा जेंडर ये है, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपके सेल्फ में आपकी लैंग्वेज का, अगर आप मुंह खोलोगे तो आपकी लैंग्वेज का पता चलेगा, तो वो आपकी आइडेंटिटी बन जाएगा। आपका रिलीजन, आपका रिलीजन भी आपका रिलीजियस आइडेंटिटी को बताता है, ठीक है, रिलीजियस आइडेंटिटी भी है, ये हमारी हम सब की होती है। और जेंडर तो है ही, ठीक है,
तो ये भी हमारी आइडेंटिटी का हिस्सा है। इसके अलावा डिप्लोमेटिक कल्चर, ठीक है, किस तरीके से हम जो है समाज के अंदर किस तरीके से कल्चर में हम हैं, वो भी हमारी सेल्फ आइडेंटिटी को इवॉल्व करता है। साथ ही में अगर आप डिप्लोमेट बनते हैं तो आप अपने देश को सर्व कर रहे हैं, तो वो भी आपकी एक आइडेंटिटी को डेवलप करेगा। ठीक है, अगर हम बात करें कि आप ही की आइडेंटिटी आगे कैसी होगी, तो एज अ डिप्लोमेट आप अपनी कंट्री को सर्व कर रहे हो, तो वो भी आपकी आइडेंटिटी ही है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो हमको इस पूरी की पूरी यूनिट में उन्होंने तो बोल दिया सेल्फ और आइडेंटिटी पढ़ लो, लेकिन हमें क्या क्या पढ़ना है। मुझे आई के बारे में बताना है आपको, आई क्या है, और मुझे मी के बारे में बताना है आपको। तो जब मैंने आपको बताया था कि ये हो आप क्या, ये हो आप आई, मन में चल रहा है कि समोसे अभी खा जाऊं, लेकिन हाथ तुम्हारे रुके हुए हैं, खा नहीं सकते, ये तुम मी हो। तो जरा देखो यहां पे आई क्या है, आई अनप्रेडिक्टेबल है, आई के मन में कुछ भी चल रहा है, ठीक है, आई के माइंड में कुछ भी चल रहा है, आई लगा पड़ा है कि चटनी से खाऊंगा कि सौंठ से खाऊंगा, बस मौसा मौसी चले जाए। ठीक है, तो आई क्या है, क्रिएटिव सेल्फ है, अनप्रेडिक्टेबल है, क्रिएटिव है। लेकिन वही बात करो मी की, खा नहीं सकता, रिफ्लेक्ट क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है कि मैंने तो अभी दाल चावल खाए थे, मैं तो टीवी देखने जा रहा हूं, मैं दोस्त के साथ खेलने जा रहा हूं, ठीक है, आप लोग बात करो, मैं अंदर जाके जो है पढ़ाई कर लेता हूं या कर लेते हूं। तो आई मी क्या है, मी कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल पारंपरिक है, मी हैबिचुअल है, उसको आदत पड़ गई है सब करने की। और मी क्या है, आगे चल के सोशल सेल्फ को ईजाद करेगा, क्योंकि कब तक रिफ्लेक्ट करोगे तुम ऐसे, आई को मी बना के कब तक रिफ्लेक्ट करोगे, आई तो आई है और आई को ये सारी चीजें इंपैक्ट भी कर रही हैं, आई के दिमाग में चल रहा है कि इंटरनल प्रोसेस चल रहा है आई का, कि जैसे ही मौसा मौसी हटे तो वहीं मैं क्या कर दूं, वहीं मैं अपना ह्यूमन बिहेवियर दिखा दूं। आई ने इंटरप्रेट कर दिया है, अनुमान लगा लिया है कि अब विदा मिल गई है, यही पढ़ा था ना भाई हमने ह्यूमन बिहेवियर, आई ने इंटरप्रेट कर लिया है कि अब विदा मिल चुकी है, अगले 5 मिनट में खेल खत्म होने वाला है। इंटरनल प्रोसेस चल रहा है आई का कि पहले बिस्कुट खाने हैं कि नमकीन खानी है कि समोसा खाना है, वही बिहेवियर को शेप करेगा, बाद में कुटाई होगी वो अलग बात है। तो आई और मी के बीच का डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, फिर हम माइंड को समझेंगे। ठीक है, ये आई का माइंड क्या कह रहा है, हेलो विशाखा। और सेल्फ एक सोशल प्रोसेस है, इसको तो हम पढ़ेंगे भैया, ये हमारे सिलेबस में जान है इस टॉपिक की। सेल्फ कोई बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, वैसे मैंने आपको ये बता दिया है, सेल्फ कोई बायोलॉजिकल एंटिटी नहीं है, बचपन से मतलब एक दिन के जिस दिन आप होते हो उस दिन से आप अपने सेल्फ को वो नहीं करते हो, सेल्फ धीरे धीरे सबको देख के आता है, अच्छा मम्मी ऐसे कर रही है, मम्मी ऐसे श्रृंगार कर रही है, तो बेटी भी क्या है मेकअप करने लग जाती है शीशे के सामने अपने खेल खेल में, वो आपका क्या है, वो आपका सेल्फ एज अ बच्चा, एज अ गर्ल चाइल्ड आपका सेल्फ डेवलप हो रहा है, सोशल प्रोसेस है, मम्मी को देख के हुआ है या बुआ को घर में किसी भी फीमेल को देख के हुआ है या टीवी पर किसी को देख कर हुआ है, तो वो एक सोशल प्रोसेस है। ठीक है, रिफ्लेक्सिविटी क्या है, रिफ्लेक्सिविटी एक ऐसी एबिलिटी, एक ऐसा कैपेबिलिटी जहां पर हम अपने आप को अनकॉन्शियसली दूसरे की जगह पर प्लेस करके रखते हैं और उसी हिसाब से एक्ट करते हैं, टू एक्ट एज दे एक्ट, जैसे वो एक्ट करती कि मम्मी पापा नहीं खा रहे तो हम भी नहीं खा सकते हैं। ठीक है, मम्मी पापा नहीं खा रहे हैं, मौसा मौसी खा रहे हैं क्योंकि उनके लिए आया है, मम्मी पापा नहीं खा रहे तो हम भी उन्हीं की तरह एक्ट करेंगे कि हमें भी नहीं खाना है, भले ही हमारे मन में लड्डू फूट रहे हों। ठीक है, फिर इन्होंने कुछ कुछ स्टेजेस बताई हैं, प्ले स्टेज, गेम स्टेज, ये बचपन से समझाया कि बच्चा एक कैसे जो है बड़ा होता है, बच्चे का सेल्फ कैसे डेवलप होता है। तो ये जो सेल्फ है, अगर आपको उसकी थ्योरी समझनी है तो आपको ये स्टेजेस समझनी पड़ेंगी कि बच्चा जो है, बच्चे जब छोटे होते हैं 0 से 5 साल के, ठीक है, तो उनकी क्या होती है, प्ले स्टेज होती है, फिर उसके बाद जब वो बड़े होते हैं 5 से 15 तक की, तो फिर उनकी गेम स्टेज आती है, ऐसे फिर धीरे धीरे फिर वो बड़े हो जाते हैं, तो जनरलाइज्ड ऑर्डर सोसाइटी का क्या है और डिस्क्रीट चीजें क्या है, तो ये हमें इस पूरी की पूरी यूनिट में पढ़ने का है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक एक करके जो मेन चीजें हैं, जैसे माइंड क्या है, रिफ्लेक्सिविटी क्या है, जेस्चर्स कैसे होते हैं, वो सब समझाने की कोशिश करते हूँ। तो माइंड क्या है, माइंड मीड के हिसाब से ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है, माइंड एक प्रोसेस है, माइंड कोई वस्तु नहीं है कि सिर में रखा हुआ है, ये माइंड है, माइंड वो दिमाग होता है। ठीक है, माइंड का मन मतलब जो है मन है, ठीक है, वो ब्रेन है, वो दिमाग है जो आपके यहाँ खोपड़ी के अंदर रखा हुआ है। ठीक है, वो दिमाग है, माइंड है आपका मन। ठीक है, और मन को कैसे समझा जा सकता है, मन के साथ करते हो आप आंतरिक बातचीत, इनर कन्वर्सेशन, यार लड़की लग तो बहुत बढ़िया रही है, मन मन में चल रहा है ये सब, अप्रोच करूं कि नहीं करूं,
कहीं मुंह की खानी तो नहीं पड़ेगी यार, इसने फ्रेंड जोन कर दिया तो क्या होगा। इनर कन्वर्सेशन चल रही है, ये आपके मन में चलती है ना, मन मन में बात कर रहे हो आप किसके साथ, खुद के साथ। तो माइंड समझ में आ गया क्या है, स्वयं के साथ एक आंतरिक बातचीत है और इसे व्यक्ति के भीतर एक भौतिक वस्तु के रूप में नहीं पाया जा सकता, ये कोई फिजिकल थिंग नहीं है। इट इज नॉट अ थिंग, ये एक प्रोसेस है, दिमाग में कुछ ना कुछ चलते रहना एक प्रोसेस है। इट डेवलप्ड विद द सोशल प्रोसेस, ये कैसे डेवलप होता है, आपका मन क्या चाहता है वो आपके आसपास के माहौल पर डिपेंड करता है। और मन जो है कई बार कोई भी चीज आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हो तो कैसे करते हो, मन के अंदर प्रोसेस करके करते हो। जब मान लीजिए आप कहाँ गए, पेपर देने गए, मैथ का पेपर था, बोल के थोड़ी ना करोगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए टू ए बी, बोल के करोगे क्या? नहीं, मन में कहते ना, मम्मी पापा टीचर सब कहते हैं मन मन में सॉल्व करो बेटा, मन में सॉल्व करो। तो ये मन मन में सॉल्व करना क्या है, सॉल्व करना मतलब आपके अंदर कोई प्रोसेस चल रहा है। कौन सा प्रोसेस? इंटरनल प्रोसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए होता है ये, ठीक है, जिसमें आप अपने आप से बातें करते हो, वन सेल्फ। समझे कि नहीं समझे? तो मीड के द्वारा ये एक प्रक्रिया समझाई गई है, ठीक है, मन माइंड। रिफ्लेक्सिविटी क्या है? तो ये एक ऐसा दृष्टिकोण है, एक ऐसी सोच है जिसमें सोशियोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि इंसान अपने बाहरी दृष्टिकोण को जो है दिखाने की कोशिश करता है ऑफ हिज और हर वर्क। अंदर कुछ और चल रहा होगा लेकिन आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव है ये। आउटसाइडर मतलब मुझे वो चीज करनी है कि सामने वाला क्या सोचेगा मेरे बारे में, ठीक है, मतलब आई तो मैं हूं, मेरे मन में क्या चल रहा वो तो मैं हूं, लेकिन मी है रिफ्लेक्सिविटी, यानी कि मैं ये समोसे नहीं उठाऊंगा क्योंकि अगर मैं ये समोसे उठा लूंगा तो ये मौसा मौसी क्या सोचेंगे मेरे बारे में। तो ये आपका आउटसाइडर पर्सपेक्टिव है, ठीक है, ये आपका आउटसाइडर। अब ये माइंड मैप क्या है भाई? अच्छा, दिमाग में माइंड मैप चल रहा है तुम्हारे, बहुत बढ़िया, माइंड के अंदर मैपिंग चल रही है, प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो मी आपका प्रैक्टिकल आस्पेक्ट है, ठीक है, आप प्रैक्टिकली दिखा क्या रहे हो, केयरफुली डॉक्यूमेंट कर रहे हो आप, केयरफुली मतलब सोच समझ के, ठीक है, वॉट एवर वन इज डूइंग, जो भी एक इंसान कर रहा है वो केयरफुली कर रहा है, सोच समझ के कर रहा है, क्योंकि आउटसाइडर्स का पर्सपेक्टिव वो उसको उस हिसाब से देखेगा, ठीक है। यहां पर हम अपने स्टेप्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, रिट्रेस दी स्टेप्स। हम कोई भी चीज करने के लिए, कोई भी कदम बढ़ा रहे हैं अपनी लाइफ में, हम ये सोचते हैं चार लोग क्या कहेंगे, तो वो जो चार लोग क्या कहेंगे उसकी वजह से जो आप कर रहे हो वो आई नहीं हो, वो मी हो, आई नहीं हो। मी क्या होगा? दुनिया भाड़ में जाए, मुझे जो करना है मैं वो करूंगा या करूंगे, वो आई है, वो आपका सेल्फ डेवलप करेगा, ठीक है। मी क्या है? अरे यार चार लोग क्या कहेंगे। आपका मन तो कर रहा है शादी में एकदम ऐसे, मतलब नागिन बीन पे डांस करने वाला, और आपने लहंगा पहना हुआ है, मतलब आप लड़की हो और आपने लहंगा पहना हुआ है, और आप लेट के लड़कों की तरह डांस नहीं कर सकती हो, क्यों? क्योंकि ये डांस नहीं कर सकती हो क्या है, ये आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव है, और क्योंकि आप आउटसाइडर के पर्सपेक्टिव से काम कर रही हो तो आप नहीं करोगी, और लड़के जो है इसी चीज के एडवांटेज लेंगे, है ना, वो लेट के जो है क्या करेंगे, नागिन बीन बजाएंगे, डांस करेंगे, तो वो उनका आई चल रहा है, उनकी मनमानी चल रही है, मनमानी माइंड की मानी मनमानी, और आप नहीं कर पा रही हो, तो आप आई नहीं हो अभी, आप क्या हो? मी हो, आप अभी मी हो, क्योंकि आपकी नागिन धिन नहीं कर पा रही है। तो वी हैव टू टेक इन अराइव एट अ पर्टिकुलर कंक्लूजन। तो आपने कंक्लूड कर लिया कि नहीं, बस हम दूर दूर से ऐसे ही पैर जो है ऊपर नीचे इससे वो कर लेंगे, एंड सी फॉर देम सेल्फ, आप अपने आप को उनके लिए कैसा देखते हो, एंड सी फॉर देम सेल्फ। तो आप रिफ्लेक्सिविटी में यानी कि मी में क्या कर रहे हो, चेक रीचेक का प्रोसेस आपके माइंड में चल रहा है, आपकी ओन थिंकिंग में चल रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में खुद तर्क चल रहे हैं। समझे कि नहीं समझे? ये रिफ्लेक्सिविटी है। आगे जेस्चर की बात करते हैं, तो जेस्चर को हमने कहां पढ़ा था, जेस्चर को हमने पढ़ा था सिंबल्स में। सिंबल्स दो तरीके के, लैंग्वेज और जेस्चर, मीड के हिसाब से। आई होप कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो जेस्चर क्या है? ये एक बेसिक मैकेनिज्म है एक सोशल एक्ट की।
सामाजिक प्रक्रिया की एक बेसिक मैकेनिज्म है, एक सोशल प्रोसेस के अंदर एक बेसिक चीज है। ये फिजिकल भी हो सकती है, ये वोकल भी हो सकती है, मतलब लैंग्वेज की फॉर्म में भी ये जा सकती है। फिजिकल तो होगी तो आपकी बॉडी मूवमेंट से इसमें पता चलेगा। धीरे धीरे अगर आप बात करते हो वोकल जेस्चर की, तो ये फॉर्म ले लेती है लैंग्वेज की, और लैंग्वेज हमारे इंटरेक्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो कि एक ह्यूमन की लाइफ में डेवलपमेंट को बहुत बड़े स्तर पर लेके आता है। तो भले ही एक बच्चा 2 साल के बाद में, 3 साल के बाद में जेस्चर सारे कर लेता हो, लेकिन अगर बोल नहीं रहा है तो पेरेंट्स के लिए बहुत दुविधाजनक स्थिति हो जाती है। वो क्यों, जेस्चर तो कर रहा है ना, तो काम चला लेगा, लेकिन बोल नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन मेकिंग पॉसिबल द डिस्टिंक्टिव डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ। आपकी ह्यूमन लाइफ में डेवलपमेंट, आपको आई से सेल्फ बनाने तक के रास्ते में, आई से सेल्फ बनाने तक के रास्ते में लैंग्वेज का बहुत बड़ा रोल है। रिफ्लेक्सेस इंड्यूस्ड बाय सोसाइटी इज मी, हाँ कह सकते हो। मतलब रिफ्लेक्सिविटी का मतलब है कि आप जो है ये किस तरीके से आपका दृष्टिकोण क्या बन रहा है, मतलब कि आप व्यवहारिक स्तर पर किस तरीके से काम करोगे, वो भी ये सोचते हुए कि मतलब सामने वाला क्या सोचेगा, आउटसाइडर का पर्सपेक्टिव क्या है। बाहरी व्यक्ति के दृष्टिकोण से जब हम चलते हैं तो हम रिफ्लेक्सिविटी होती है, वो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं होता। रिफ्लेक्सिविटी में इट इज नॉट अवर ट्रू सेल्फ, कहते हैं ना कि तुम अपने असली रंग कब दिखाओगे, ट्रू सेल्फ, असली रंग मतलब ट्रू सेल्फ, तो वो हमारा ट्रू सेल्फ नहीं होता, वो आप मी हो, मी, ठीक है। आपने अपने आप को उस तरीके से ढाला हुआ है। सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स क्या है, महत्व प्रतीक जिसको कहते हैं, एक सिग्निफिकेंट सिंबल कौन सा होगा, ऐसा सिंबल जो इंसान, एक इंसान कर रहा है तो दूसरा इंसान उसको समझ पाए। मतलब ऐसा नहीं है ना कि जेस्चर के नाम पर तुम कुछ ऐसा कर दो जो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है, तो वो तुम्हारे साथ इंटरेक्शन कैसे करेगा, क्योंकि अंतिम पड़ाव तो हमारा यही है ना कि हमें इंटरेक्शन करना है, सिंबल्स के थ्रू हमें इंटरेक्शन करना है। तो सिंबल का सिग्निफिकेंट होना भी बहुत जरूरी है, समझे कि नहीं। मतलब तुमने अप्पा डप्पा चप्पा बोल दिया लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आया, वो थोड़ी ना जॉनी लीवर था जुदाई का, तो अप्पा डप्पा चप्पा से उसको तो कुछ समझ नहीं आया। अब तुम हंस रहे हो तो भी अप्पा डप्पा चप्पा बोल रहे हो, रो रहे हो तो भी अप्पा डप्पा चप्पा बोल रहे हो, तुम्हारी हाँ है तो भी अप्पा डप्पा चप्पा बोल रहे हो, और ना है तो भी अप्पा डप्पा चप्पा बोल रहे हो, तो कैसे समझ में आएगा। तो इसका मतलब आपका सिंबल जो है वो सिग्निफिकेंट होना चाहिए, आपके जेस्चर्स ऐसे होने चाहिए जो सामने वाले को समझे जा सके, विच ओनली ह्यूमन कैन मेक। और ह्यूमन का मतलब यहां पर यह है कि आप सोच समझ के कर रहे हो। जेस्चर्स आपके सिग्निफिकेंट तब होते हैं व्हेन दे अराउज इन द इंडिविजुअल हु इज मेकिंग देम, जब कोई इंसान उनको कर रहा है, द सेम काइंड ऑफ रेस्पॉन्स दे आर सपोज टू एलिसिट फ्रॉम दोज टू हुम द जेस्चर्स आर एड्रेस्ड। कहने का मतलब है कि जिसके लिए तुम जेस्चर कर रहे हो, कोई सिंबल दे रहे हो, उसको वो सिंबल समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, उस सिंबल के हिसाब से वो रिएक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और अगर कर रहा है उस सिंबल के हिसाब से तो आपका सिंबल सिग्निफिकेंट होगा, नहीं तो अप्पा डप्पा चप्पा हो ही जाना है। मतलब सिंबल्स क्या करते हैं, दे मेक्स कम्युनिकेशन पॉसिबल। आपके वोकल जेस्चर लैंग्वेज हो सकती है। अब मान लीजिए कि कोई अफ्रीकन व्यक्ति है ना, कोई अफ्रीकन व्यक्ति है, वो अफ्रीकन लैंग्वेज में, एफ्रो लैंग्वेज में बोल रहा है, एफ्रो लिंगो है उसका, और मेरे को नहीं आती है, ठीक है, अब क्या वो सिग्निफिकेंट सिंबल होगा हम दोनों के बीच में, क्या वो हम दोनों के बीच में सिग्निफिकेंट सिंबल होगा, अगर सिर्फ लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, ठीक है, उठो बैठो खाओ पियो उसके हैंड मूवमेंट्स की बात नहीं कर रहे, सिर्फ अगर लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, तो कोई ऐसी लैंग्वेज जो आपको नहीं आती और मैं उस लैंग्वेज में बात करूं, तो क्या हमारे बीच में इंटरेक्शन डेवलप हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो मीड की थ्योरी यही कहती है कि सिग्निफिकेंट सिंबल्स परफॉर्म करते हैं एक बहुत ही क्रूशियल फंक्शन, जिससे कि इंसान अपना माइंड मेकअप कर पाता है, मेंटल प्रोसेस कर पाता है आपकी दी गई इंफॉर्मेशन का, और देन फिर आपको क्या करता है, रिस्पोंड बैक करता है। तो आई होप कि आपको सिंबल सिग्निफिकेंट क्यों होने चाहिए इसका मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे चलते हैं।
अब बात करते हैं सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म की। डेफिनेशन यहां लिखी हुई है, प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था कि क्या होता है सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म। मतलब कि एड्रेसिंग दी सब्जेक्टिव मीनिंग, मीनिंग कैसा होना चाहिए, सब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी कि हर किसी के हिसाब से अलग हो सकता है। उसको आप किसी इम्पोज करो किसी ऑब्जेक्ट पे, किसी इवेंट के बारे में हो, कोई किसी के बिहेवियर के बारे में हो। सब्जेक्टिव मीनिंग का मतलब है कि आप उसको प्राइमेसी इसलिए दे रहे हो, उसको महत्व इसलिए दे रहे हो, क्योंकि हर व्यक्ति का मीनिंग अलग हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में आप बिलीव करते हो मैं भी उसी चीज़ में बिलीव करूँ, तो ऑब्जेक्टिवली हर जगह ट्रू नहीं हो पाएगा। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म इट लुक्स एट इंडिविजुअल एंड ग्रुप मीनिंग्स मेकिंग फोकसिंग ऑन ह्यूमन एक्शंस इंस्टेड ऑफ लार्ज स्केल सोशल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, इसमें अगर कोई पॉइंट समझ नहीं आ रहा हो तो बता सकते हो। इसके अलावा मैंने आपको सबसे सिंपल डेफिनेशन ऑलरेडी दे दी है, सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म इंट्रैक्शन स्ट्रेस अपॉन द सोशल फिनोमिना ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन और अमंग इंडिविजुअल्स, और मीड के हिसाब से ये कैसे करोगे आप, थ्रू दी सिंबल्स करोगे। इंटरेक्शन क्या होता है, मीड क्या कहते हैं, वो आप यहां से इसी चीज को यकीन मानिए, अगर आप सेंटेंस में फॉर्म करके लिखेंगे तो ये बेसिक आपको इतना तो पता होगा ना, जो चीज जितनी साधारण रूप से लिखी जाए, साधारण रूप से मतलब कि जो एक्चुअल में पॉइंट्स हैं, वो शब्द दिखने चाहिए आपके और वो अर्थ निकलना चाहिए। उसके लिए शशि थरूर की अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, वहां आपके नंबर अच्छे फैच होते हैं। आप मेरी पीपीटीज में देखोगे कि 80% लिंगो जो होती है वो बहुत ही नॉर्मल होती है, मतलब कि आपको समझ में आएगी, बचपन से जो अंग्रेजी पढ़ रहे हो वैसी है। 20% समटाइम्स ऐसा टॉपिक होता है जो थोड़ा सा जाता है, टेक्निकल टर्म्स में जाता है। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशन हो गई। अब सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म के तीन बेसिक थंब रूल हैं। पहला जो हर्बर्ट ब्लमर ने दिया था, तीन बेसिक, और ये जो तीन बेसिक थंब रूल है वो हर्बर्ट ब्लमर ने दिए हैं। ठीक है, हर्बर्ट ब्लमर ने दिए हैं, क्योंकि ये टर्म इन्होंने दी थी, तो इस टर्म को ऐसा नहीं है कि सिर्फ नाम दे के ही चले गए थे, पंडित जी थोड़े हैं जो नामकरण करके चले जाएंगे। तो उन्होंने तीन बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं, जहां पे इन्होंने पहले में कहा है कि ह्यूमंस एक्ट टुवर्ड थिंग्स, इंसान जो है चीजों की तरफ क्या करते हैं, एक्ट करते हैं, किस हिसाब से, जिस तरह हिसाब से वो अर्थ निकालते हैं। अर्थ निकालते हैं मतलब पहले तुम बचपन में समोसे खाते थे, अब नहीं खाते हो, क्यों, अब तुम्हें पता चल गया है क्या कि ये तो कार्ब्स है। ठीक है, ये तो कार्ब्स है, एक एक बड़ा बोल भर के सैलेड खाने में भी उतनी कैलोरीज नहीं होती जितनी एक समोसे में होती हैं। तो आपने पहले बचपन में आपने कुछ और मीनिंग लगाया था, जैसे आपको वो लगती थी, दिखती थी चीज़, जैसे अट्रैक्ट करती थी, आज आपने मीनिंग अलग कर लिया। आज समोसा आपके लिए क्या है, आज समोसा देखते ही आपके सामने क्या है, आपकी फैट वैली ओबेसिटी आ जाती है। तो इंसान के ये जो मीनिंग्स हैं ये चेंज होते रहते। पहली बात, ये मीनिंग्स कैसे डिराइव होते हैं बचपन में और या बड़े होके, ये मीनिंग डिराइव होते हैं सोशल इंटरेक्शन से। जब तुम 3 साल के थे या 4 साल के थे या 5 साल के थे, जब तुम समोसे को ऐसे देखते थे कि जीवन की सबसे बहुमूल्य खाने की चीज़ यही है, उस समय किसी ने तुम्हें बताया नहीं था, किसी से तुम्हारा ऐसे इंटरेक्शन नहीं हुआ था जो तुम्हें ये समझा पाता उस समय। अगर वो बताता और तुम नहीं समझते, वो भी सिग्निफिकेंट सिंबल नहीं होगा, भाई डॉक्टर ने तो बता दिया, अब मेरी बेटी है उसको डॉक्टर बता दे कि ये खाने से एसिडिटी होती है, और उसको होती भी है, लेकिन उसको खाना है क्योंकि उसके लिए वो चीज़ बहुमूल्य है। तो जब तक वो डॉक्टर तो बता रहा है, वो अपनी तरफ से मैसेज कन्वे कर रहा है, सिंबल कन्वे कर रहा है, लैंग्वेज में कन्वे कर रहा है, लेकिन उसको नहीं आ रहा समझ, क्योंकि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं कर रही, समझ ही नहीं पा रही, तो उसके लिए वो सिग्निफिकेंट सिंबल नहीं है। लेकिन जब वो बड़ी होगी तो उसको मतलब लगेगा यार बॉडी है, मतलब किस तरीके से प्रेजेंट, मतलब रिप्रेजेंटेबल फिगर होना चाहिए, या शरीर मतलब थोड़ा हेल्दी होना चाहिए। और हेल्थ का मतलब हमारे इंडिया में, एक तो सबसे बड़ा दुख दर्द यही है, हमारे इंडिया में हेल्थ का मतलब क्या है, जो थोड़ा ज़्यादा मोटा हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, थोड़ा हेल्दी हो गया है ना, मोटा नहीं कहेंगे उसको, मोटा हमारे यहाँ एक गाली की तरह होता है, मोटा मोटी हमारे यहाँ गाली की तरह है, उसको क्या कहेंगे, आपकी बेटी थोड़ी हेल्दी हो गई है, उम्र के हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हेल्दी हो गई है। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन कैसे डेवलप होगा, तो धीरे धीरे समय के साथ ये सोशल इंटरेक्शन से ही आपको समझ में आता है कि आप कैसे एक्ट करोगे टुवर्ड्स दी थिंग्स। तीसरा ब्लमर कह रहे हैं कि दीज मीनिंग्स आर हैंडल्ड इन, ये मीनिंग्स को हम हैंडल करते हैं किस तरीके से, और फिर अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं, कैसे, अपने इंटरप्रिटेटिव प्रोसेस के थ्रू, यानी कि अनुमान से, अपनी समझ से, सूझबूझ से, इंटरप्रिटेशन से। इंटरप्रिटेशन का मतलब है कि सबकी अपनी सूझबूझ जो है अलग होती है, सब्जेक्टिव मीनिंग है।
यूज्ड बाय द पर्सन इन डीलिंग विद द थिंग्स ही और शी एनकाउंटर्स। यहां तक समझ में आ गया, तीन बेसिक प्रिंसिपल हर्बर्ट प्लमर के, ठीक है। पहले प्रिंसिपल को हमने और डिफाइन कर दिया, क्या पहले प्रिंसिपल को, मतलब पहले इस प्रिंसिपल को यह है कि अगर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड है और उसने बोला हनी हनी, तो हनी का मतलब अलग ही होगा उसके लिए जीवन में, लेकिन हमारे लिए हनी का मतलब शहद है, समझे कि नहीं। तो इंटरप्रिटेशन के ऊपर है कि आप कैसे इंटरप्रेट कर रहे हो, कि ह्यूमंस एक्ट टुवर्ड्स थिंग ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग दे एस्क्राइब टू दोज थिंग्स, कि उनके लिए हनी का मतलब, उनका बेसिस ऑफ मीनिंग क्या है, हनी का मतलब वो एक दूसरे को संबोधित कर रहे हैं, हमारे लिए हनी का मतलब कुछ और ही है, ठीक है। हनी का मतलब हमारे लिए शहद है। तो किस तरीके से ह्यूमन जो है अपने हिसाब से मीनिंग निकालते हैं चीजों के, इट इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट ह्यूमन बीइंग मे नोट इन देयर वर्ल्ड, अपनी दुनिया में उनको क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी वो अपने अलग अलग तरीके मतलब निकाल लेते हैं, ठीक है, फिजिकल ऑब्जेक्ट से भी। कहने का मतलब है कि कोई हो सकता है एक बच्चा है जो मून को मामा की तरह देख रहा है, वो चंदा मामा कह रहा है, और वहीं पर अगर आप देखेंगे तो एक व्यक्ति है जो अपनी प्रियतमा को मून कह के संबोधित कर रहा है, चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो वो मून का जेंडर भी देखो ना, दो मिनट में बदल गया, बच्चा कह रहा है कि मून मामा है, चंदा मामा है, और वो कह रहा है चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। तो वो मून का जेंडर भी चेंज हो गया भाई साहब। तो समझ में आई बात कि इंसान अपने हिसाब से मतलब निकालता है चीजों की, अपने हिसाब से एक्शंस के मतलब निकालता है। मम्मी ने तुम्हें समोसा खाने से रोका था क्योंकि तुम्हें एसिडिटी होती थी, तुमने सोचा कि मम्मी मुझे तो प्यार करती ही नहीं है, अपने कॉन्सेप्ट्स बना लेता है, ठीक है, पर्सनल मीनिंग बना लेता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये पहला प्रेमाइसिस है। दूसरा प्रेमाइसिस हमारा कहता है कि ये जो मीनिंग है ये कैसे ड्राइव होते हैं, हमारे सोशल इंटरेक्शन से ड्राइव होते हैं। तो सोशल इंटरेक्शन कैसे आएगा, कि यहां तुम खड़े थे ये तुम्हारे नारियल के पेड़ पे, यहां पे एक व्यक्ति खड़ा था और इधर से एक बोट आ रही थी, तो तुम बोट बोट चिल्ला रहे हो, अच्छा सामने वाले को पता नहीं है कि तुम्हारी बोट में छेद हुआ रखा है, तो बोट वाला कह रहा है मुझे भी बचा लो मुझे भी बचा लो, बोट वाला लैंड लैंड चिल्ला रहा है, बोट वाला लैंड लैंड चिल्ला रहा है, मतलब कि दोनों के ही इंटरेक्शन अलग ही चल रहे हैं भाई साहब। द सोशल इंटरेक्शन दैट वन हैज विद अदर ह्यूमंस, सेकंड प्रमाइसिस इस बात पे सेट करी जाती है, पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर बाय इंटरप्रेटिंग और डिफाइनिंग ईच अदर्स एक्शन। वो कह रहा था इधर आ जा मेरे को ले ले, मतलब मैं गिर जाऊंगा, बोट वाला कह रहा था कि हाँ तू आ जा भाई साहब, हमारी तो बोट में पहले से ही छेद हो रहा है। तो एक दूसरे के एक्शन को समझ के हम इंटरप्रेट कर सकते हैं, इंस्टीड ऑफ मेयरली रिएक्टिंग टू ईच अदर्स एक्शन, कि सिर्फ एक्शंस की तरफ रिएक्ट नहीं करना है बिना सोचे समझे, एक्शंस को समझना है, समझने के बाद में एक्ट करना है। और तीसरा है कि ये मीनिंग को कैसे हैंडल करोगे, कैसे मॉडिफाई करोगे, वो करोगे आप इंटरप्रिटेशन से, इंटरप्रिटेशन मतलब अनुमान, और अनुमान जो है आपके सब्जेक्टिव हो सकते हैं, हर व्यक्ति अलग तरीके से किसी चीज का अनुमान निकाल सकता है। हम एक दूसरे से बात करते हैं और एक दूसरे की बात का मतलब निकालते हैं, ठीक है, बट फर्स्ट हमें पहले उसके लिए एक दूसरे की बात, एक दूसरे की लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए। मतलब मैं अपना दुख दर्द हिंदी में सुनाऊं और एक अफ्रीकन व्यक्ति है उसको क्या ही समझ में आएगा। तो बात करना तो ठीक है, लेकिन वी नीड लैंग्वेज, और लैंग्वेज ऐसी जो आप सामने वाला जो उसको डिकोड कर पाए। बिफोर वी कैन थिंक वी मस्ट बी एबल टू इंटरेक्ट सिम्बोलिकली, तो हमें जो है क्या करना चाहिए, सिम्बोलिकली इंटरेक्ट करना चाहिए, सिंबल्स की हेल्प से मीनिंग्स को नेगोशिएट करना चाहिए, यानी कि समझने चाहिए एक दूसरे की बात का अर्थ समझना चाहिए, सोशल कंस्ट्रक्शन करना चाहिए। सोसाइटी का सोशल कंस्ट्रक्शन इसी इंटरेक्शन के ऊपर होता है, जहां पर हर व्यक्ति अपना क्या है रोल प्ले कर रहा है। तो ये था आपका सोशल इंटरेक्शनिज्म माय फ्रेंड्स। की पॉइंट हमने यहां पर देख लिया कि यहां पर फिनोमेनोलॉजी होती है, रूट्स वहीं से निकली है इसकी, सेकेंड यूनिट में मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है। ये मैंने इसलिए और डिटेल में पढ़ाया क्योंकि इसका बहुत यूज है यहाँ पे, ठीक है। तो की पॉइंट्स यहाँ पे हैं कि ये क्वालिटेटिव मेथड है, समझा दिया मैंने आपको क्यों है, नॉन पॉजिटिविस्टिक मेथडोलॉजी है, ठीक है। लार्ज स्केल पे मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर्स और फोर्सेस को जो है ये क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है, क्रिटिसाइज, क्योंकि मैक्रो सोशल स्ट्रक्चर इज ऑल अबाउट पॉजिटिविस्ट सोशियोलॉजी, क्वांटिटेटिव स्टडी,
तो ये कैसी है, ये माइक्रो स्टडी है। माइक्रो यानी कि इंसान के ह्यूमन के बिहेवियर को समझते हैं हम, यहाँ पे पर्टिकुलर बिहेवियर को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मिड की थ्योरी के एग्जाम्पल वगैरह तो वो तो हम सब कर लेंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे दिया गया है ना, क्योंकि समोसा वाला एग्जाम्पल भले ही सुनने में कितना सही लग रहा हो ना, बचपन में हम सब ने पढ़ा भी है, मतलब देखा, सॉरी पढ़ा नहीं, मतलब अपनी जीवन में जिया भी है समोसा वाला एग्जाम्पल। लेकिन उसको तुम पेपर में नहीं लिख के आ सकते हो ना, दिक्कत ये है समोसे वाले एग्जाम्पल के साथ में, दिक्कत ये है कि उसको पेपर में नहीं लिख के आ सकते। तो इसीलिए फिर एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे सेट किया है। अच्छा, जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लेना, ठीक है। तो व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मीड्स थ्योरी, कि मीड ने यूज़ किया था एक एग्जाम्पल, क्योंकि मीड ने तो समोसे खाए नहीं थे, वो तो अमेरिका का था, समझ रहे हो ना तुम। और मीड ने याद कैसे रखो कि मीड ने तो समोसे खाए नहीं थे, मीड ने खाया था हॉट डॉग। और जब हॉट डॉग खाया था मीड ने, तो वहाँ उसने देखा कि हॉट डॉग बनाने के चक्कर में लड़ाई हो रही थी, तो कुत्तों के बीच में डॉग फाइट हो रही थी कि मैं बनूंगा हॉट डॉग या मैं बनूंगा हॉट डॉग। और ये डॉग फाइट के चक्कर में यहाँ पे मीड ने देखा और इसका मन बदल गया, बोला कि मैं जो है खाऊंगा ही नहीं और मैं इसको यूज करूंगा अपनी थ्योरी में। तो वहां पर इसने समझाया कि व्हाट ही मींस बाय द कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर। कुत्ते भौंकते रहते ना एक दूसरे के सामने, एक भौंक रहा है तो दूसरा और तेजी से भौंकेगा। तो द एक्ट ऑफ द डॉग स्नार्लिंग एट अनदर डॉग कॉल्स आउट फॉर अ रेस्पॉन्स फ्रॉम द अदर डॉग। फॉर एग्जाम्पल स्नार्ल बैक और रिट्रीट, कहने का मतलब है, तुमने देखा होगा ये भी अपने जीवन में, गली में बड़े कुत्ते घूमते हैं हमारे यहाँ, कोई एंडेंजर्ड या वल्नरेबल स्पीसीज नहीं है कुत्ता हमारे यहाँ पे, कि एक कुत्ता भौंक रहा है भाई साहब, ठीक है, एक कुत्ते ने भौंकना प्रारंभ किया। चलो इधर बना देते हैं इसकी गर्दन, ठीक है, ये इसकी पूंछ हो गई। एक कुत्ते ने भौंकना प्रारंभ किया और कुत्ता भाई साहब भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, भौंके जा रहा है, और ये तब तक भौंकता रहेगा जबकि जो इधर वाला है ना वो इसको रेस्पॉन्स नहीं देता, या तो वो भाग ही जाएगा, यही देखा है ना हमने गली में, या तो वो भाग ही जाएगा या फिर क्या करेगा, स्नार्ल बैक करेगा, सामने से वो भी भौंकेगा। ये कुत्ता कम सूढ़ ज्यादा लग रहा है। खैर, ये हमारा डॉग वन है और ये हमारा डॉग टू है, ठीक है। तो या तो ये स्नार्ल बैक करेगा और क्या कर लेगा, ये रिट्रीट, रिट्रीट का मतलब ये भाग जाएगा, पीछे पीछे कदम खींच लेगा अपने। तो ये स्नार्लिंग कर रहा था और ये क्या होगा, ये ऐसी दो हरकतें कर सकता है, दो ही चीज करेगा, या तो वापस से भौंकेगा या फिर रिट्रीट करेगा। तो इस चीज को यहां पर इन्होंने क्या किया है, एग्जाम्पल की तरह लिया है कि कन्वर्सेशन ऑफ जेस्चर क्या है। ये जो जेस्टर से समझाना चाह रहे हैं, जेस्टर से कन्वर्सेशन कैसे कर सकते हैं, इंटरेक्ट कैसे कर सकते हैं, मतलब इनको और कोई एग्जाम्पल ही नहीं मिला है ना। हम समोसे खा रहे थे, ये हॉट डॉग खा रहे थे, याद रख पाओगे कि नहीं रख पाओगे, ठीक है। टीनेजर्स की स्टडी मैंने आपको समझाई थी, मैंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एक आपका क्लासमेट है जो पढ़ रहा है, एक क्लासमेट है जो कि दीवार फांद के पिक्चर देखने जा रहा है। अब आपको डिसाइड करना है अपने इंटरनल प्रोसेस से कि आपका ह्यूमन बिहेवियर कैसा होगा। तो यहां पर इन्होंने समझाया था रिस्क ऑफ टबैको। रिस्क ऑफ टबैको सभी किसी को पता होते हैं, है ना, तंबाकू खाने से गले का फेफड़ा मतलब लंग कैंसर होता है, सभी को पता है। बट दे ऑल्सो थिंक स्मोकिंग इज कूल। तो जिसको लगता है कि स्मोकिंग कूल है वो स्मोक करेगा, ठीक है, जिसको लगता है कि वो स्मोकिंग कूल है वो करेगा। दैट दे देमसेल्फ विल बी सेफ फ्रॉम हार्म एंड दैट स्मोकिंग प्रोजेक्ट्स अ पॉजिटिव इमेज टू देयर पीयर्स, कि जब मैं स्मोकिंग करूंगा या करूंगी तो मैं बहुत बहुत कूल लगूंगा या लगूंगी, एकदम कूल माचो, है ना, मैं वो लगूंगा या लगूंगी। इसलिए लोग और इसको, इनको ऐसा नहीं है कि इनको पता नहीं है कि ये मतलब हार्मफुल है, सबको पता है। तो सिंबॉलिक मीनिंग क्या है इनके लिए, स्मोकिंग का मीनिंग ये नहीं है कि ये मरना चाहते हैं, इनके लिए स्मोकिंग का मीनिंग, और इनको एक्चुअल फैक्ट भी पता है, इनको रिस्क भी पता है स्मोकिंग का इसका, और ये कर रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि ये मरना चाहते, ये इनके लिए एक्चुअल वो सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और दिखाना चाहते हैं, सिंबॉलिक मीनिंग कुछ और दिखाना चाहते हैं, इनके लिए उस चीज का अर्थ कुछ और ही निकल के आ रहा है, ये कूलनेस है, कूलनेस की तरफ इनको प्रोजेक्ट करना है, ठीक है।
तो ये क्या है कि सिंबॉलिक मीनिंग हर किसी के क्या हो सकते हैं, इससे हमें ये समझ में आता है कि सिंबॉलिक मीनिंग सब्जेक्टिव हो सकते हैं। वहीं मम्मी पापा के सामने करोगे स्मोकिंग, वहीं दो मतलब पढ़ेंगे, है ना। हमारी इंडियन सोसाइटी में तो यही है, इंडियन सोसाइटी मतलब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारे यहाँ जो भारत के अंदर है वहां पड़ेगा। और जो आपकी आज की डेट में थोड़ी जो एक्स्ट्रा मॉडर्न सोसाइटीज हो गई हैं वहां पे जो है शायद आप चलता होगा ये सब, लेकिन मिडिल क्लास फैमिलीज में तो नहीं चलेगा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए सिम्बॉलिक मीनिंग माँ बाप के सामने स्मोकिंग करने का कुछ और ही है, इज्जत नहीं करता है उसको, डायरेक्ट हम इज्जत से जोड़ लेते हैं। घर वालों की इज्जत नहीं कर रहा है, कर रही है देखो कैसे, मतलब कर रही है का तो सीन ही नहीं है, कर रहा है वो हो जाए उतनी बहुत बड़ी बात है, कर रही है तो हो ही नहीं सकता। कर रहा है भी अगर माँ बाप के सामने सिगरेट पी रहा है 20-21 की उम्र में, 20-21-22 की उम्र में, 25 साल तक या जब तक शादी नहीं हो जा रही तब तक माँ बाप के सामने पी रहा है, समझ लो वहीं पे जो है कोल्हापुरी चप्पल तैयार है। तो हमने आज की क्लास में ये पढ़ा है, कल सुबह 8 बजे सेशन है, पहली बात तो आपका कल सुबह 8 बजे तैयार रहना, ठीक है। नहा धो के, बिना नहाए धोए चाय कॉफ़ी जो भी लेना हो लेके बैठना साथ में मेरे। सिंबॉलिक इंट्रैक्शनिज्म में हमने ये पढ़ा है कि एक तो हमें मीनिंग सबका अलग अलग होता है, सब्जेक्टिविटी होती है, दूसरा थिंकिंग हमारी डेवलप होती है थ्रू द इंटरनल प्रोसेस, ठीक है। इंटरनल प्रोसेस मीनिंग जो है क्या होता है, सब्जेक्टिव होते हैं। और लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, सिंबल्स का एक तरीका है, सिंबल्स का, ठीक है, सिंबल्स टू इंटरेक्ट। तो आज मैंने आपको ये समझाया है और पूरा समझाया है कि किस तरीके से ये सब चीजें डेवलप हुई हैं। आप इसको कैसे बना के आएंगे, आप इसको ऐसे बना के आएंगे, कहने का मतलब है यहां लैंग्वेज है, ये भी लैंग्वेज है। अगर ये लैंग्वेज बाहर की तरफ है इसका मतलब ये है कि मेरी लैंग्वेज तुम तक पहुंच नहीं पा रही है, मतलब मैं जो कह रहा हूं वो तुम्हें समझ नहीं आ रहा है। ये जो ये वाला जो ग्राफ का ये वाला पार्ट है इसका मतलब ये है कि मीनिंग भी निकाल पा रहे हो, तो मीनिंग से भी इंटरेक्ट कर रहा है ये थिंकिंग भी हो पा रही है तुम्हारी, यानी कि थिंकिंग भी कर पा रहे हो, इंटरनल प्रोसेस में भी चल रहा है तुम्हारे, और ये लैंग्वेज मेरी हमारे बीच के बीच में हमारे बीच का इंटरेक्शन का मीडियम भी बन रही है। वो कहते हैं ना ऐसे बायोस्फेयर में हम रहते हैं, बायोस्फेयर में यानी कि ये एटमोस्फेयर है, ये हाइड्रोस्फेयर है और ये ट्रोपोस्फेयर है। और हम कहाँ रहते हैं, ना समंदर के अंदर रह सकते हैं, ना हवा में ऊपर लटक के रह सकते हैं, ना बिना हवा और पानी के जमीन पर रह सकते हैं, नहीं तो मंगल ग्रह पे चले जाओ और चंद्रमा पे चले जाओ। तो हमें रहने के लिए क्या चाहिए, ऐसा ऐसा स्फेयर चाहिए हमें जहां पे क्या हो, पानी भी हो, हवा भी हो और जमीन भी हो। और इसीलिए हम कहाँ रहते हैं, इसीलिए हम रहते हैं बायोस्फेयर में। तो इसका मतलब तीनों का इंट्रैक्शन चाहिए हमको सोसाइटी में, तीनों का इंट्रैक्शन चाहिए। तो यहाँ पे ये जो ये वाला जो कॉलम है, ये वाला जो क्रॉस सेक्शन है, ये लैंग्वेज जिसमें तुम इंटरेक्ट कर रहे हो उसका मीनिंग भी निकल रहा है सब्जेक्टिवली और इंटरनल प्रोसेस के थ्रू निकल रहा है। तो ये आप सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म में बना सकते हैं, ठीक है, अपने पेपर के अंदर। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में, और अगले सेशन में हम लोग शुरू करेंगे सेल्फ एंड आइडेंटिटी, ठीक है, और ख़त्म हो जाएगा कल 1 घंटे के अंदर। जितना आज पढ़ाया है बस उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। चलिए, सो टिल देन टेक केयर, बाय। अच्छा, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हो कर लेना यार, ठीक है, और जिसने नो मतलब वो नहीं करे हो, और कमेंट करके जरूर बताना तुम लोग ना ये लाइव क्लास के बाद में कमेंट करके बताना सेशन कैसा लगा, ठीक है, क्योंकि ये लाइव क्लास तो खत्म हो जाती है, लाइव चैट भी खत्म हो जाएगी और कमेंट्स जो हैं तुम्हारे बाद में आगे वाले बच्चों को भी दिखेंगे, ठीक है। तो शब्बा खैर, मिलते हैं आपसे सुबह 8।